थोड़े मतलब ऐसे एकदम विलन वाली वाइब दे रहा हूँ ना मैं। पहली चीज रोटी के पहले चांटा खा देते हम। I want to talk about your sexuality. Have you ever felt feelings for a man? Teri is agar चौपड़ खाने में अगर मुझे विश्वास होता तो मैं तेरी जबान काट देता। How religious are you? यार ये बड़ा sensitive subject है यार, बोल देंगे अब चले जाओ वापस। पाकिस्तान पाकिस्तान चले जाओ। How often do you get angry? कभी पीटा किसी को जोर से एकदम? और ये मैंने मेरे परिवार वाले भी नहीं जानते हैं। Exclusive, only for Sandesh. कितनी बार हुआ है जब आपके को एक्टर, नाम मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता आप नाम बताने वाले व्यक्ति हो। अगर मेरे को वो इंसान पसंद नहीं होगा तो मैं ले लूंगा नाम। आई ट्रस्ट यू। ठीक है, आई ट्रस्ट यू संदीप। द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट गोइंग टू टेक योर बेट। माय वाइफ टोल्ड मी बी केयरफुल ऑफ संदीप, बी केयरफुल ऑफ हिम। स्वागत है एक और बढ़िया बढ़िया अनफिल्टर्ड बाय संदेश, ये भी पावर्ड बाय मिस्टर वुडलैंड भाई साहब। तो भैया एक काम तो जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में वुडलैंड भाई साहब का थैंक यू करिए ना कि यार ऐसी कॉन्वर्सेशंस अगर कोई ब्रांड सपोर्ट करने को तैयार है, आई थिंक वी कैन बी थैंकफुल टू दैट ब्रांड, और कॉमेंट सेक्शन में अपना प्यार भी जता सकते हैं। दूसरी बात, वीडियो आप सब लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब आप में से बहुत ही कम मात्रा में लोग करते हैं, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, छोटा सा बटन होता है क्लिक कर दीजिए, कोई पैसा नहीं लगता। तीसरी बात, ये इंटरव्यू भी थोड़ा सा इसका कंटेंट जो है, अगर आप 18 से नीचे हैं तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्राई टू अवॉइड इट, 18 से ऊपर हैं तो पूरा पूरा लुत्फ उठाएं। अब मजे से एंजॉय करें अनफिल्टर्ड बाय संदेश FT. विक्रांत मैसी पावर्ड बाय वुडलैंड। सही चल रहा है। क्राउड को भी मैनेज करने में बड़ा मजा आता है। सही बात है, पर लाइव ऑडियंस का तो मजा ही कुछ और होता होगा। हम लोगों को खुद आइडिया नहीं होता ना हमारा कंटेंट, हमें तो सिर्फ एक नंबर दिखता है। ये बात भी ठीक है। देयर ही इज। ठीक है भाई। अरे नहीं सर, कैसे हैं? बिग फैन सर, बिग फैन सर। अरे सर सर सर, क्या हाल है? इतना हैंडसम आदमी मुझे गले लगाए। अरे यार माय गुड फॉर्च्यून। प्लीज ऐसा कुछ नहीं है सर, हम दोनों भाई भी लग सकते हैं वैसे। हां मैं वही सोच रहा था, लग सकते हैं दोनों के नाक भी लंबी लंबी। या 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 आई शुड एट लीस्ट मैच अप टू योर लुक्स व्हिच आई कांट ऑब्वियसली। नाक थोड़ी ज्यादा लंबी है। जो आपने जोक बोल के जो मेरी तरफ देखा है ना, वरना रजिस्टर हुआ नहीं था। सर भी डायलॉग डिलीवरी कर लेते हैं यार, धमाके। इनको तो त्रिपाठी जी ने बोल दिया कि एक्टिंग करो, अब तो देखो शर्मा देख लो, तो ये भी राजकुमार से कम थोड़ी ना है कोई। चलिए यू कैरी ऑन, बाय बाय। चलिए भैया मिलते हैं, आप फ्री हो के दिसंबर में बताइए। मैं तो बस मुझे देखिए, मैंने कहा मैं बोलूं बिग फैन, मैंने आके अपना। अगर ये इतनी बार बोलते हैं मिलने को, कभी नहीं मिल पाते हैं। इनके पास टाइम का बिजी, इनके पास टाइम का बहुत बिजी, इनके बहुत बिजी, कम ऑन यार बहुत बिजी। चलो अच्छा लगा मिलके, बाय। क्या चल रहा है सर, आइए बैठ कर बैठ जाओ। अच्छा आप इधर, मैं लेफ्ट साइड बैठ जाऊं सर? अरे सर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है मेरा इशू। आइए आइए। वाह जी वाह, ये तो भयंकर सेटअप है। हाय 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 विक्रांत सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाय विक्रांत, हाय। इनका नाम सलमान है और आज सलमान आपके फैन है। क्या बात है, हाउ आर थिंग्स यार? Things are good. I'm a big fan. I'm not kidding. Thank my wife so and I are big fans of yours. You know, I have to talk to you about that. She follows me. Yes. I found out today morning she follows me. I was like, what the fuck? She follows you. हम सारा काम देखते हैं आपका यार. Especially when you were at Scoop Whoop, there came a time when you did वो COVID वाला जो किया था आपने. Yeah, yeah, yeah. बाकी तिग्मांशु भाई का तो सबका देखा हुआ है. Thank you so much. वो तो कुछ love the way you talk यार, मतलब अच्छा लगता है, मतलब वो और हम लोग बोर हो जाते हैं। आपको विक्रांत बुला लूं या नहीं बुलाऊं? Of course यार, ठीक। What else do you want? नहीं नहीं, I don't know, मतलब आदमी फेमस हो जाता तो पता नहीं, कुछ एयर तो होती होगी। नहीं नहीं, आप सर आप मुझसे ज्यादा फेमस हैं यार, आप बताओ आप में आई है हवा? मैं स्कूटी चलाता हूँ। मैं भी चलाता हूँ, मेरे पास भी एक्टिवा है। आपके पास गाड़ियाँ कौन कौन सी है जो की आप बताते नहीं हो आजकल? अरे यार है, गाड़ियों का शौक है सर, पूरे जीवन BST बस
ट्रेन शेयरिंग ऑटो करने के बाद जब थोड़ा लगा कि यार गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, शौक पूरे कर लेते हैं, दो तीन गाड़ियाँ हैं, दो तीन बाइकें हैं. कंफर्टेबल? वेरी वंडरफुल. वेरी कंफर्टेबल. यू लाइक ड्राइविंग योरसेल्फ? लव ड्राइविंग मायसेल्फ, लव इट. और मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ कि जब व्हेन यू रीच्ड आउट टू मी, व्हाट वाज माय रिस्पांस टू यू, व्हाट वाज माय फर्स्ट, आई एम सर, आई एम अ, या यू सेड समथिंग लाइक, सो माय वाइफ ऑलवेज टोल्ड मी कि यार तुम संदीश के साथ क्यों नहीं करते हो, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास. कोई स्पॉन्सर नहीं है स्प्राइट? ऐसे जूते हैं कि मजबूरन फेंकने पड़े हमें. हाँ, क्योंकि वो खराब होते ही नहीं, सही बात. फिर आपने फेंक दिए सर, फिर 10-12 साल बाद फंगस लग गई. स्वेड के जो इनके होते नहीं है वो, पर इनकी सिलाई खुलती नहीं है, कुछ नहीं होता इनको. मेरे तो कीला घुसा हुआ था, मैं बड़ोड़ा में था तभी जब कीला निकाला, तो इतना बड़ा कीला निकला है और वो सोल के आर पार भी नहीं गया, ऐसा था. थैंक्स टू मिस्टर वुडलैंड. थैंक्स टू मिस्टर, ठीक है. मेरा स्पॉन्सर इतना खुश होगा ना, मुझे प्लीज हायर कर लेना, मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना देना. और क्या देखते हो यूट्यूब में यार? आजकल तो प्रेगनेंसी की वीडियोस चल रही हैं. अच्छा, व्हेन आर वी बिकमिंग पेरेंट्स? जैन एंड फेब. अरे वाह, यस, होपफुली फेब फर्स्ट वीक सेकंड वीक कभी भी हो सकता है. तो वही सब चल रहा है, यू नो, बेबी म्यूजिक चल रहा है, फीटस की हेल्थ को लेके, डाइट को लेके गीता सार चल रहा होता है, आरतियां चल रही होती हैं. फिर और अगर इन सब प्रेगनेंसी से हटके अगर कुछ देखना होता है तो वो बहुत सारे क्या कहते हैं उसे, व्लॉग्स बहुत देखती हैं वो. ओके okay. बहुत ज़्यादा. ट्वेल्थ फिल्म मैंने देखी, मम्मी पापा के साथ बैठा था. आई डेंट नो मच अबाउट द फिल्म. मुझे ये पता था कि विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म है, आप लीड में हो. इट लाइक इट इज सो वेल डायरेक्टेड. स्पेशली आई वांट टू टॉक अबाउट दिस सीन वेयर जब आप लोग चीटिंग कर रहे होते हो और वो डीएसपी आते हैं और वो जो लंबा टेक है, दैट इज जस्ट ए ब्रिलियंटली डायरेक्टेड सीन. सर अगर आप पूरी फिल्म ध्यान से देखेंगे, देयर आर सो मेनी वन टेक्स, सो मेनी लॉन्ग शॉट्स, एंड आई एम ग्लैड यू हैव एन आई फॉर दैट. कि वो जब आते हैं, फिर उनको वो दोनों बात कर रहे होते हैं, साइड से बच्चे भी आ रहे हैं, अलग अलग क्लासरूम से आप जा रहे हैं, फिर राइट भी मार रहे हैं, लेफ्ट भी मार रहे हैं. ही इज़ अ वेरी मिटिक्युलस मैन जनरली इन लाइफ. ही स्टार्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दिस फिल्म व्हेन ही वाज 66. टुडे ही इज 71. 4 साल दिए हैं उन्होंने उस एज में. दैट्स क्रेजी. अब 4.5 साल हो गए. आई वॉज ऑन दिस फिल्म, अगर अभी का भी समय पकड़ लें तो मैं 2.5 साल से इस फिल्म पर बैठा हूँ. शूट के 3 महीने पहले मैंने सारा काम छोड़ दिया. ओके. हमने कैमरा रिहर्सल्स किए हैं, मॉक सेट्स बना के हमने कैमरा टेस्ट्स किए हैं, जो नहीं करता कोई आज की तारीख में. आपकी किसी भी फिल्म में हुआ है ऐसा? नहीं हुआ है. हमने 2 महीने की शूटिंग के लिए 1.5 साल प्रेप किया है. और कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, और वो दिखता है, और वो दिखता है. एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई यू सी दीज लॉन्ग टेक्स. अभी एक और सीन अगर मैं आपको याद दिलाऊँ, जब मेरा कैरेक्टर मसूरी जाता है, श्रद्धा के घर जाता है, ठीक है, याद होगा आपको, जब मैं कहता हूँ कि मेरी बात कराइए, तो वो बोलते हैं कि अंदर आओ. फिर वो फ़ोन पे बात कराते हैं और जो भी मैं उनसे उलट पुलट का जो पहली बार कहता हूँ, तो मुझे आई लव यू कह दो. अब दोबारा देखिएगा, वो 4.25 मिनट का सिंगल टेक है. क्रेजी. एंड दैट इज़ हाउ ही इज़ सो पैशनेट. वो आज भी दिन के 16 घंटे काम करते हैं. रात को 2 बजे सोने जाएंगे ना, आपको सुबह 7 बजे मॉर्निंग वॉक पे दिखेंगे. मैन, और वो 70 के बिल्कुल नहीं लगते. नहीं लगते. ही वॉक्स फास्टर देन मी, एंड आई एम श्योर ही प्रोबेबली वॉक्स फास्टर देन यू आल्सो. प्रोबेबली है. प्रोबेबली. दैट्स उनका फार्म हाउस का क्या नाम है? वजीर बाग. कुछ बताओ फार्म हाउस के बारे में. कुछ होता, अरे बहुत खूबसूरत फार्म हाउस. कुछ ऐसी पर्सनल डिटेल जो सुन के उनको गुस्सा आ जाएगी, विक्रांत ये भी शेयर कर दिया. कुछ ऐसा सुनाओ. नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे. कुछ तो कर दो यार. वो कश्मीर में वजीरबाग एक जगह है जहाँ के वो हैं, उसी के नाम पे फार्म हाउस के नाम. वो तो ठीक है. कुछ जैसे कोई पर्सनल कुछ बताओ ना यार. यार he's कुछ भी, मतलब फर्नीचर हैंडक्राफ्टेड है, वहाँ का खाना घटिया है, कुछ तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर. फिल्म कंपनी खाना उनके घर का, आप चाहे बॉम्बे में खा लो या कहीं पे भी खा लो, उनके घर का खाना इज आउटस्टैंडिंग. क्या मिलता है सर? क्या नहीं मिलता है आप बताओ. पर सबसे अच्छा क्या सर? 5-स्टार शेफ है उनके घर पे. आप हलूमी बोल लो, आप एवोकाडो सावडो ब्रेड बोल दो, आपको सब मिल जाएगा वहाँ पे. मैं वो पिछले 30 सालों से, जब तक मैं जो मुझे बताया गया है, 30 सालों से दोपहर की नींद उनको लेनी ही लेनी है. अभी लेटली वो एक पॉडकास्ट सुनते हैं जो कुछ 28 मिनट का है, फिर उसके बाद फ्रेश होते हैं, चाहे वो खुद की शूट पे क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो. वो आफ्टरनून जो एक सर्कैडियन साइकिल है ना, वो सर्कैडियन साइकिल वो आदमी फॉलो करता है.
क्या वीरू शास्त्र बुद्धि क्या वो कुछ उसी इट इज वीरू शास्त्र बुद्धि इज इंस्पायर्ड बाय विनोद चोपड़ा उसी टाइप का आदमी लगा है मुझे तो बिल्कुल सर क्या और जो वीरू शास्त्र बुद्धि भी लेट के क्लॉक पे ऐसे लेट के शेव करवाता था दैट इज विनोद चोपड़ा दैट्स हिज जर्नी दैट इज द रीजन ही टुक अप दिस आई वुड लव टू इंटरव्यू हिम समडे You but must. वो पता नहीं. He would love to talk to you because you talk straight forward. हाँ पर उनको को ये बता तो दे कि मैं बताऊंगा जाके. I will definitely. Please, please. Are there people in your ear all the time telling you manager, I don't know, family, friends who are saying यार ये actor तो इतना बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि Instagram पे बड़ा है क्या ये सब होता है? Initially होता है when you they also want to sort of gauge you. क्योंकि एक template है और obviously उस template में आप fit नहीं होते हो. नहीं होता. आप एक अलग राह बनाना चाह रहे हो. मैं नहीं होता मैंने वो करने की कोशिश भी की एंड आई विल नॉट डिनाई दैट यू नो बिकॉज़ उसके भी पर्क्स हैं सो एग्जैक्टली माय क्वेश्चन व्हाट डू यू थिंक यू मिस्ड आउट ऑन बिकॉज़ यू हैवंट गॉन देयर यू नो पॉपुलैरिटी दैट इज वन थिंग बट आई एम नॉट मिसिंग आउट ऑन बट यू आर वेरी पॉपुलर एंड सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट डू यू थिंक मतलब क्या हजार लोगों की जनता में 900 वहां चले जाएंगे 100 ही आएंगे मतलब व्हाट इज द मे बी अ 700 300 That is, and who are you comparing yourself to? जब आप ये बोल रहे हो, there's no one person I'm comparing myself to. जैसे there is a cycle की, you know, you have to look good, you have to wear designer clothes, you have to be present on social media, you have to be interacting with audiences every day. You know, आप साल में भले ही एक फिल्म करें या दो फिल्म करें, रोज इंटरेक्ट करना है। आप तस्वीरें डालो, अच्छे दिखो, बालों पे जेल लगाओ, ये सारी चीजें करो। मैंने करने की कोशिश की, हाँ। ऐसा नहीं है मैंने नहीं। और उसमें से कुछ तो आप अभी भी कर रहे होगे या नहीं? Because I think now I am doing what I do. You are comfortable in this. Yes, very very comfortable in this. Rather than getting out of my comfort zone or getting out of my skin and pretending to be something that I am not. I mean. और ये आप किस टाइम में कर रहे थे जब आप करना चाहे जब सिनेमा में हीरो के दोस्त के रोल खत्म हो गए हाँ। और मैंने सोलो फिल्में करनी शुरू की दो देवर डिजिटल फिल्म्स हाँ। थोड़े सेंट्रल पार्ट्स मिलने लगे तो लोगों ने ये सलाह दी तब दूसरे लोग थे मेरे साथ हाँ। जो मेरे साथ अब काम करते हैं वो नहीं थे मेरे साथ इसीलिए वो नहीं है आज मेरे साथ तो उन्होंने सलाह दी कि लाल पीले कपड़े पहनो रेड कारपेट पे जाओ लोगों से मिलो सोशलाइज करो बहुत ज़रूरी होता है जो कि होता है बिल्कुल होता है और जो करते हैं उसमें कोई गलत नहीं है वो उनको सूट करता है वो मुझे नहीं किया सूट ठीक है क्योंकि 12-15 घंटे तो काम कर रहे होते हैं यार फिर आपका परिवार है फिर आपकी नींद है फिर आपी तैयारी है I'm coming to the main thing आपका इतना टाइम ले जा रहा है आपकी लाइफ ले जा रही है आप सेट पे जाके तो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं सर तैयारी कहाँ करोगे सेट पे जाके तैयारी करने का टाइम नहीं सही है बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल नहीं है इम्प्रोव ये सब तो होता रहता है एक सिली क्वेश्चन हाँ बोलो बोलो कितनी बार हुआ है जब आपके को एक्टर नाम मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता आप नाम बताने वाले नहीं, नहीं अगर मेरे को वो इंसान पसंद नहीं होगा तो मैं ले लूंगा नाम तो कितनी बार हुआ है कि सामने वाला को एक्टर तैयार ही नहीं है जो ये जो लैक ऑफ डिसिप्लिन या लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है कितनी बार देखने को मिलता है होता है सर आए दिन देखने मिलता है कई एक्टर्स तो ऐसे होते हैं कि सेट पे आते हैं रील अपलोड करना उनके लिए प्रायोरिटी होती है कौन सी फिल्म और कौन से स्टार की बात हो रही है नो नेम ड्रॉपिंग सारे के सारे नाम ले लो नहीं नहीं यार मतलब वो वायरल तो हो जाऊंगा मैं इस चक्कर में बढ़ने नहीं नहीं वायरलिटी के लिए नहीं वायरलिटी के लिए नहीं जस्ट सो दैट पर्सन वेक्स अप बट एनीवे दैट पर्सन नोज तो फिर ठीक है दैट पर्सन नोज एंड दैट पर्सन गॉट टू नो देयर एंड देन उसी वक्त तो मेरा पर्पस उसी वक्त सॉल्व हो गया तो आप मुंह पे बोल देते हो बिल्कुल या अपने अंदर चढ़ते नहीं नहीं मुंह पे ही कह देता हूँ मैं मुंह पे ही कह देता हूँ और सर काम के अलावा और कुछ है नहीं मेरे पास ठीक है आई लव माय जॉब एक्टिंग इज समथिंग इज द ओनली थिंग दैट आई कैन डू एंड आई वांट टू डू मेरे लिए मेरा काम मेरा सब कुछ है एक नाम लूंगा यहाँ पे क्योंकि वो बहुत ही इंस्पायर्ड आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय दैट मैन फरहान अख्तर की अगर हम बात करें क्या नहीं है उसके पास जीवन में जावेद अख्तर का बेटा है इतना सब कुछ है उसके पास वेन ही इज एन एक्टर आई डोंट नो हाउ ही इज एज अ डायरेक्टर बट जब दिल धड़कने दो में ही वाज एक्टिंग प्रोड्यूसर भी वही है को राइटर भी वही है ठीक बात उनकी बहन फिल्म बना रही है लेकिन वो आदमी जब रिहर्सल करने आता था ना वो हाथ में स्क्रिप्ट नहीं रखता था क्योंकि वो लाइनें उनको अपनी पता थी उनको सामने वाले की लाइनें भी पता थी दैट्स क्रेजी अब फरहान अख्तर जैसा आदमी अपना होमवर्क करके आ सकता है तो तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए यार कभी पीटा किसी को जोर से एकदम उसके बाद नहीं पीटा कभी किसी को वो तो वो इसीलिए वो लास्ट है ना जी बताओ फिर
नहीं यार वो तो स्कूल की बात होगी, जोर से। कौन सी क्लास में थे? दसवीं में था मैं। एंड व्हाट इज द इमोशन दैट यू अटैच टू इट नाउ? आई एम गिल्टी। मतलब कितना पीट दिया था क्या? थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। मतलब चार फ्रैक्चर या फिर नहीं आईसीयू? ऐसा ही कुछ था, वो नहीं करना चाहिए था मुझे। उसके बाद मुझे अपने आप से डर लगने लग गया, मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये नहीं। इज दैट वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ योर माई पर्सनैलिटी? हाँ, मतलब ऐसे एक पॉइंट तो नहीं होता, लेकिन फिर भी होते हैं कुछ ना कुछ। कुड बी, कुड बी, कुड बी। आई डिडंट नो दैट द अदर पर्सन हैड एपिलेप्सी। और मैंने कराटे करना भी उस इंसिडेंट के बाद छोड़ दिया। So it was while a practice or while a match was going? नहीं, it happened during school recess. कुछ हो गया था तो मारा तो he started frothing. Oh shit. And the older brother came. फिर उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, फिर बाद में मुझे पता चला कि he had epilepsy का problem. बहुत ज़्यादा ज़ोर से मार दिया था मैंने, and that kind of changed a lot in me, and that is could be, now that I talk about it, it definitely was one of the major turning points. उसके बाद मैं थप्पड़ खा के वापस आया हूँ पर कभी हाथ नहीं उठाया किसी का। Also unfortunately I've had a few unfortunate deaths in my family. That's those split second decisions that cost them their lives. Oh, आधा सरदार हूँ ना मैं। अच्छा, हाँ, my maternal side is सरदारनी आंटी। सरदारनी आंटी यार, अरे यार कैसी बात हो रही है। How good is your Punjabi? I understand completely. Achha, but you can't speak shit, or yeah, you can. I can, but I'm nervous. कि मतलब यार अगर मैंने गलत बोल दी तो फिर एक तो वैसे ही बॉम्बे वालों की पंजाबी को ऐसे गाली देते हैं ना दिल्ली वाले खास तौर पे या नॉर्थ वाले की यार तुम बॉम्बे वालों की पंजाबी नकली पंजाबी है तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। But I understand Punjabi. Achha, I understand a few languages in fact. काफी language. I understand Gujarati. I have lived in Gujarat for 2 years. Achha. When? 2007-8. मैं एक टीवी शो कर रहा था धर्मवीर नाम का एक टीवी शो। Of course. याद है? Of course. मैंने कल रिसर्च में देखा एक और बार NDTV, imagine. So मैं वहाँ पे था तो गुजराती पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, बंगाली समझ लेता हूँ पूरी, मराठी तो ऑफ कोर्स बिकॉज मदर टंग ही कह लो, बिकॉज आई एम फ्रॉम बॉम्बे। माय फादर्स एंटायर फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम शिमला टू बॉम्बे। दादा के बारे में कुछ बताओ। दादा मेरे दादा बहुत ही कमाल की पर्सनैलिटी थे। जी जी बताओ। मेरे दादा कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, ही वॉज एन एक्टर हिमसेल्फ। उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से 2 बार ऑल इंडिया ड्रामेटिक कंपटीशन में गोल्ड मेडल मिल चुका है। What the fuck, जी, dude? And शिमला का जो गेटी थिएटर है वहाँ पे उन्होंने 20 से 22 साल एक्टिंग की है, डायरेक्शन किया है, प्रोड्यूस किया है, और साथ ही साथ में शिमला का कौन सा ग्रैंड होटल, ही वॉज अ जनरल मैनेजर एट ग्रैंड होटल। ठीक है, ठीक है, साथ ही साथ में थिएटर करते थे। उन्होंने बहुत फिल्में की हैं, मतलब उन्होंने हिंदी फिल्में की हैं, फिल्में की हैं सर, कैरेक्टर आर्टिस्ट उन्होंने की हैं। मिस्टर मासी ने, उनका सरनेम मासी था, रविकांत मासी ना। अच्छा अच्छा, मासी, अच्छा सॉरी, मासी, मासी, जी जी जी। तो नया दौर में वो थे, नया दौर में दादाजी, उन्होंने देवानंद के साथ, उन्होंने दिलीप कुमार के साथ, उन्होंने गाइड में भी उन्होंने एक सीन किया है, उन्होंने ये सारी फिल्मों में किया है सीन। अभी हैं दादाजी? अच्छा, उनको तो जाके 50 साल। ओह गॉड इट, गॉड इट। अच्छा, ठीक है। तो आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई? मेरी कभी? अच्छा। माय फादर वाज वेरी यंग व्हेन ही पास्ड अवे। गॉट इट। तो वो थे, उन्होंने कुछ लगभग 200 फिल्में की हैं, लेकिन बहुत ही पेरिफेरल पार्ट्स जिन्हें कहते हैं, पेरिफेरल पार्ट्स उन्होंने किए। वकील बन गए, डॉक्टर बन गए, और उस जमाने में तो अपनी दाढ़ी, अपना डॉक्टर का कपड़ा, अपना खुद ले जाना पड़ता था। BR चोपड़ा के साथ उन्होंने बहुत काम किया है। तो आप बता रहे थे जब वो जनरल मैनेजर थे, जब वो जनरल मैनेजर थे ग्रैंड होटल के, तो मेरी जो वाइफ है वो एक्स मिस हिमाचल है। अच्छा, ठीक है। तो उनका जो फेलिसिटेशन हुआ था वो ग्रैंड होटल में हुआ था। कनेक्शन बैठ गया, कनेक्शन तो बैठ गया। उनका फेलिसिटेशन हिमाचल स्टेट ने ग्रैंड होटल में ही किया था। अच्छा, या दैट्स एन इंटरेस्टिंग। नहीं, सही, ऐसे ही होता है। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड यार, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अच्छा, तो दादी के बारे में कुछ बताओ। मेरी दादी नर्स थी। अच्छा, बॉम्बे में एक हॉस्पिटल है भाभा हॉस्पिटल, पहले तो शिमला में थी। हां, शी वाज द बैकबोन ऑफ, और शी स्टिल इज, यू नो, कहते हैं ना कि इंसान चले जाता है, वो शरीर चले जाता है, लेकिन वो इंसान नहीं जाता। तो आज हमारे घर के नियम जो हैं, या जो मेरी मम्मी की पर्सनालिटी आज है, अ लॉट ऑफ इट इज़ बिकॉज ऑफ माय पेटर्नल ग्रैंडमदर। दोनों सास बहू, दे हैड द सेम बर्थडे।
फर्स्ट ऑफ जून वॉज दिस दे हैड दिस शेयर्ड देयर बर्थडे. तो किसका बर्थडे ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट होता था? यार केक तो दोनों के कटते थे साथ में. मेरी दादी के घर जाते थे एक टाइम की बात, तो मेरी माँ बड़ा चिढ़ जाती थी कि यार मेरा भी तो कभी बर्थडे अकेले मना लिया करो, हर बार मेरे को इनके साथ ही केक काटना पड़ता है. तो फर्स्ट ऑफ जून, फर्स्ट ऑफ जून. वैसे आंटी की बात जेन्युइन है, बात तो जेन्युइन है. शिमला से बॉम्बे क्यों आए, कोई कारण था? मेरे ग्रैंडफादर के थिएटर के लोगों ने और फिल्मों में ट्राई की, फिल्मों में ट्राई करो. तुम्हारा नाम भी आरके है कि नहीं? उस टाइम तो नाम भी आरके था शायद, बोला होगा. सो देन ही माइग्रेटेड टू बॉम्बे विद हिज फैमिली. अच्छा, दैट वाज द रीजन. एंड माय ग्रैंडमदर वाज अ वर्कहोलिक यार. वो चार बच्चे थे उनके और चारों बच्चों के टाइम पे डिलीवरी करके चौथे दिन काम पे वापस. और शिमला में तो मतलब माय फादर इज द फोर्थ चाइल्ड, द यंगेस्ट. तो इतनी इतनी बर्फ में जाती थी, वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना होता था किसी अमीर आदमी को, चार चार किलोमीटर चल के जाते थे बर्फ में. शी वॉज अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग वुमन. और ये मैंने, मेरे परिवार वाले भी नहीं जानते हैं, एक्सक्लूसिव ओनली फॉर संदेश. परिवार वाले भी नहीं जानते, परिवार वाले भी नहीं जानते. ओके, आई एस्पायर टू ओपन अ फाउंडेशन ऑन हर नेम समडे. ओके, लेट्स सी. नाना नानी के बारे में बताओ जल्दी से, या बहुत इंटरेस्टिंग है तो डिटेल ले लो. नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है यार. पाकिस्तान से माइग्रेट हुए पार्टीशन पे. कहाँ से? होशियारपुर. हाथ मिलाओ, हम सियालकोट से. कमान यार, कमान. लवली लवली. अच्छा, नाना नानी वहाँ के? नाना नानी वहाँ के हैं. तुसी पाकिस्तानी हो? मतलब यार ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है यार, बोल देंगे अब चले जाओ वापस. पाकिस्तान, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ. हाँ जी, हाँ मतलब ब्लड लाइन तो आप कह सकते. होशियारपुर, होशियारपुर पाकिस्तान. पहले तो अमृतसर गए. अच्छा, अमृतसर दो महीने रहे. अच्छा, फिर उसके बाद किसी रिलेटिव के पास गए, एक्सटेंडेड रिलेटिव. वो भी है ना नानी? नहीं, नहीं, वो अच्छा, चले गए. ठीक है, दे हैड अ फुल लाइफ. गॉट इट. 84 86 तक अच्छे से. बढ़िया बढ़िया. अच्छा, मतलब आप लोग बड़े यंग हो गए. आपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं ज्यादा टाइम? मैंने दादी के साथ टाइम स्पेंड किया. दादी साथ और नानी के साथ टाइम स्पेंड किया. नानी के साथ मैंने लगभग 17 साल. अच्छा, 17 भी नहीं, ज्यादा आई थिंक 20. नाना का प्रोफेशन क्या था? ही वाज अ कारपेंटर. बॉम्बे में अंबोली एक जगह है. तो अंबोली में उनका अंबिका सॉमिल्स टिम्बर मार्ट था. नानी हाउसवाइफ? नानी वाज अ हाउसवाइफ. ओके, नानी वाज अ हाउसवाइफ. बेहतरीन फैमिली. गुड पीपल. फैमिली हिस्ट्री अभी तक किसी ने नहीं पूछी थी विक्रांत मैसी की. हाँ, पूछी नहीं किसी ने. आज मेरी मम्मी पता बहुत नाराज थी. पता क्यों? बुरा जोक आने वाला है. क्या बताओ? क्योंकि मम्मी ने बोला मेरे से पहले मासी का इंटरव्यू कर रहा है. एक ही सोच पाया मैं. नहीं नहीं, लवली, गुड जोक, गुड जोक. और एक एक सॉन्ग परफॉर्मेंस भी हुई है. हाँ, मतलब हुई थी. अच्छा, अभी जो? हाँ, अभी जो हुई थी. छोटी सी, वापस चलो, लेट्स गो, 1 2 3. छोटी सी उमर. बस बस बस. What has been the weirdest day for you on a TV set? Weirdest? जो कुछ तो weird होता होगा TV sets पे. कुछ तो ऐसे कि ये क्या line दे रहे हो? ये कितनी patriarchal बात है? कहीं repetitively होता रहा इसीलिए छोड़ा TV. पर so then I've had weird days if I can say. बताओ कुछ एक एक बताओ. Weird. गर्मी लग रही है तो एसी बढ़ा सकते हैं. नहीं नहीं, एसी मत बढ़ाओ यार, मैं उतार ही देता हूँ ना. मैं बड़ा ये सोच के आया था कि दिल्ली, दिल्ली में ठंड है. अभी शाम में होगी. होगी शाम में लगेगी. तो मैं सही कर किया ना, जैकेट रेडी आप हो? जैकेट मेरे पास भी 3 है. अरे लव, लेकिन ये हम बॉम्बे वालों के तो जैकेट सड़ ही रहे होते हैं यार, अंदर निकलते ही नहीं है. तो जैसे ही पता चले दिल्ली जाना है तो निकाला मैंने यार, एक संदीश भाई के साथ थोड़ा सा. अरे अरे वाह, नहीं वियर्डेस्ट बहुत हुए यार, रेपिटेटिवली होते रहे. यूनिवर्सली सभी एक ही चीज कर रहे थे. और ये तो सच ही है ना, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, एक चीज चल जाती है तो उसी के वर्जन बनते रहते हैं. ठीक बात है. तो जब टेलीविजन में वो बहू पे अत्याचार और यू नो मिसोजिनिस्टिक कंटेंट जब चला और उसके टेकर्स भी थे, तो अब टीआरपी के लिए लोग वही बना रहे थे. और मैंने 10 साल किया टीवी यार. तो यू गॉट इन वेरी यंग. नो या आई स्टार्टेड ऑफ एक्टिंग एट द एज ऑफ 17. उसके पहले मैं ब्रीफली शामक दावर की ट्रूप में असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर का काम कर रहा था. तो वो रेपिटेटिवली चीज़ें मुझे वहाँ के, मुझे बस बहुत इरिटेटिंग चीज़ें होती थी यार. आई मीन देवर, जैसे कि देवर MBAs कॉलिंग द शॉट्स, जिनका क्रिएटिव ऑन व्हाट, ऑन स्टोरीज, ऑन स्टोरीज. ऐसे एपिसोड बनाओ उसी से रेटिंग. हमारी रिसर्च, इंटरनल रिसर्च, बोल बोल के बहुत चूतिया काटा सबका. इंटरनल रिसर्च, इंटरनल रिसर्च. महा एपिसोड ऐसा होना चाहिए, या फिर व्हाट इज महा एपिसोड, जो एक घंटे का एपिसोड होता है. महा एपिसोड, ये एक महा इंटरव्यू है विक्रांत मासी जी के साथ.
तो वो मुझे मेरी तो एक हद तक ऐसा हो गया था, मेरी लड़ाई हो गई थी उन लोगों से. अच्छा. आई सेड कि मैं नहीं करूंगा. बट आप में इतनी हिम्मत कैसे है, क्योंकि आई एम श्योर इट वाज पेइंग यू वेल. वेरी वेल. यू वर अ स्टार देयर. वेरी वेल. आपका चेहरा मतलब अभी तक लोग याद करते हैं उन कैरेक्टर्स को. मुझे जो उन कैरेक्टर नाम से बुलाते हैं. आप श्याम भाई सा हो ना. बिल्कुल. तो फिर तो देन व्हाई द स्टेप टू, इट्स गुड दैट यू डिड इट, बट वेयर डिड द मोटिवेशन कम फ्रॉम? समथिंग विद इन मी वाज चर्निंग. मुझे नहीं अच्छा लग रहा था. एक ये था कि आई फेल्ट अंडर यूटिलाइज्ड एज एन एक्टर. ओके. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और ये मुझसे निकलवा नहीं रहे. अब अगर आप पैरेलली बात करें तो बालिका वधू जो मैंने शो किया था वो तो 2 महीने के लिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट था सिर्फ. इट वाज अ कैमियो. बट पीपल लव्ड इट सो मच दैट इट वेंट ऑन फॉर 2 years. आई डिड इट फॉर 2 years बिकॉज आई बिलीव्ड इन द कॉन्टेंट दैट आई वॉज डूइंग एंड पीपल वर रिसीविंग इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार मैं कुछ कर रहा हूँ. उसके बाद फिर मजा नहीं आया कुछ शोज में. जैसे वो बोलते हैं कि 18-20 घंटे काम होता है. अब नहीं होता. हाँ. अब नहीं होता. अब बहुत टीवी में भी नहीं होता. पर अभी भी लोग तो परेशान होते हैं. जैसे मतलब हम लोग, आई वांट टू नेम स्पेसिफिक नेम्स, बट 3 महीने की साइकिल होती है पेमेंट की. यू हैव 90 डेज का साइकिल. यू हैव टू कीप द प्रोड्यूसर हैप्पी एंड आई मीन इट कैन बी एन एक्सप्लॉइट. इट कैन बी एन एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर. यस. वो हो सकता है हर बार. है इट इज एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर. और सिनेमा में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंटेंट के नाम पे आपको चाराना पकड़ाते हैं और खुद करोड़ों रुपया कमाते हैं और वो राइटफुली लोगों के साथ बांटते नहीं है. और मैंने भी उन लोगों के साथ काम किया है. जिस टाइप की फिल्में आप करते हो उनमें भी ऐसे लोग हैं. मैंने ये फेस किया है पहले. अब अच्छा, नहीं. Got it. अब नहीं. तो हम कंटेंट बनाते हैं, हम अच्छा कंटेंट बनाते हैं जो बनाते हैं. हाँ. कोई उसमें दो राय नहीं. पैसे के मामले में चिंदी लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव. आउटराइट एक्सप्लॉइटेटिव. शोषण हो रहा है लोगों का, एक्टर्स का, जो अच्छे दिखते हैं. सबका, टेक्नीशियंस का. उनका तो फिर बात ही नहीं आती है. अब देखिए ना, कोई दिल्ली से अगर कोई बंदा आया है, कोई या पूना फिल्म स्कूल से अगर कोई आया है या NSD से कोई आया है, कोई मौका चाहता है, आप उसको मौका दे रहे हो पर उसको आप उसके रेंट का खर्चा भी नहीं दे रहे हो या जो वो डिजर्व करता है. एक अच्छा कलाकार जो डिजर्व करता है वो आप उसको नहीं देते हुए कहते हो कि हम अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, हमारे साथ जुड़ोगे तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी एज एन आर्टिस्ट, विच इज ट्रू. बट देन वो इट्स हैवीली टिल्टेड टुवर्ड्स वन साइड. पर और वो टीवी में उस वक्त वर्किंग कंडीशंस क्या थी जब आप थे? इट वाज वेरी कॉम्पिटिटिव. I have shot 110 hours non-stop without sleeping. 110 hours is? एक second. कितने दिन हो गए बताओ? 4 दिन तो 96 hours हो गए. उसके ऊपर भी 14 घंटे. Without stop. Without sleeping. ये क्या कोई Guinness World Record attempt हो रहा था? नहीं, उस वक्त situation ऐसी हो गई थी. One of my co-actors actually met with a freak accident. Okay. तो रातों रात writers were sitting and rewriting the episodes. और वो fillers डालने थे तो मैं ही था सिर्फ. तो डे शिफ्ट अलग होती थी, नाइट शिफ्ट अलग होती थी, पर मैं 110 घंटे. और 110 घंटे के बाद भी पैकअप मेरी वजह से नहीं हुआ. पैकअप एक ऐसे इंसान की वजह से हुआ जो सुबह आया था 10 बजे, शाम तक वो चिढ़ गया गुस्से में आके और वो उठ के चला गया, तो पैकअप बुलाया उन्होंने. विक्रांत मैसी सिंह, मैं तो और भी कर लेता. मैं कर लेता. मैं तो 200 घंटे कर लेता. नहीं नहीं, एक बार ट्राई करो. ओ भाई, ये तो क्रेजी बात है. आप कुछ कह रहे थे, कुछ इशारा कर रहे थे, बैटरी वैटरी सब ठीक है? नहीं, मैं वो कहता थोड़ी लाइट ऑन हो जाती. ये वाली कर देते हैं यार, ये लोग कर दिया. बट आई एम हैप्पी वी डिड दिस. आई एम हैप्पी यू रीच्ड आउट टू मी. आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी. बट आई एम हैप्पी यू रिस्पोंडेड सो पॉजिटिवली. मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा. मेरे को बस ये, मेरे को डर था कि आप सोचोगे साला ये भी 12th फेल चल गए तो ये भी आ गया. मुझे बस नहीं आया तो मेरे दिमाग में है ना. आया ही होगा. आया ही होगा. आया मेरे दिमाग में आया कि, और क्योंकि आपने मुझे बताया कि आपने देखी है फिल्म, बट देन वो बहुत ही ब्रीफली, मतलब वो 5 सेकंड के लिए आया, बट देन द 6th सेकंड आई वाज लाइक कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस यार. पर एक्चुअली वो झूठ भी नहीं है, क्योंकि हाँ मैंने, मेरे अंदर ख्याल 12th फेल देख के ही आया. उससे पहले मेरे अंदर ख्याल नहीं आया. तो वो एक ऑनेस्ट बात भी है. आई एम श्योर एंड आई अप्रिशिएट दैट. क्योंकि मैं आपका इंटरव्यू आपके काम की वजह से ही कर रहा हूँ, तो 12th फेल से मुझे लगा कि हाँ यार इस व्यक्ति का तो लाइक देयर आर पीपल विद द राइट वैल्यू सिस्टम हैव टू बी सेलिब्रेटेड. आई एम सॉरी, यू सेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. वापस बोलना. हाँ ठीक है यार. कुछ डीजल पेट्रोल की स्मेल नहीं आ रही? बताओ जी. नहीं सलमान भाई, कल की खबर आएगी. गाड़ी में इंटरव्यू चल रहा था. लाइव. चलो कोई नहीं, अगर आपको नहीं आ रही तो कोई नहीं. मेरी नाम बस फुटेज रिकवर हो जाए, चाहे गाड़ी का कुछ भी हो. मैं तो यही सोचता हूँ. व्हेन आई गो टू द पॉलिटिकल रैलीज, ऑल आई टेल माय क्रू इज, मैं पिट भी जाऊँ तो रोल रखना बस.
रोल होता है, मेमोरी कार्ड अपने जेब में रखना, प्लीज उसको पहुंचा देना सही जगह। वो अगर सरकार तक पहुंच गया कि कोई भी सरकार हो सकती है, सारी सरकारें एक जैसी है। हां, सो यू वर सेइंग पीपल विद द सर्टेन वैल्यू सिस्टम हैव टू बी सेलिब्रेटेड विक्रांत, एंड आई फेल्ट लाइक व्हेन आई सॉ योर फिल्म एंड देन आई स्पोक विद माय फ्रेंड्स अबाउट यू एंड दे वर लाइक हमें तो शुरू से ही वो व्यक्ति इतना बढ़िया लगता है, मतलब उसकी आंखों में दिखता है कि उसका वैल्यू सिस्टम अच्छा है। एंड आई वाज एक्चुअली टॉकिंग टू माय एक्स वाइफ अबाउट दिस, अच्छा, एंड शी वाज आल्सो लाइक तुमने किया क्यों नहीं अभी तक, and so I was like maybe I should have listened to her more. so sweet. ये बात हो गई तो वो अभी भी music music बजा रही हैं, मस्त कर रही हैं अपना। कैसे पता? मैंने सुना नहीं उनका कुछ लेकिन। कैसे पता आपको? सर हम भी research करके आ रहे हैं यार। नहीं नहीं, she has the Ahvaan project, she does very well. मुझे बताना, मैं सुनूंगा बाद में। पक्का पक्का, she is amazing, like she writes herself. उसकी थोड़ी spiritual journey है, उसका काम और उसका खुद का value system एक ही है। Yeah, you can't separate the two. Nice. I feel like there's a lot, मतलब आपके बारे में भी ये बात कही जा सकती है। मैं actually दिमाग में वही चला था कि हाँ, मेरा भी extension ही है। My work is an extension of my world view, और my value system कह लो या world view कह लो, और the kind of world I aspire to live in is an extension of that. And what is the kind of world that you aspire to? A kind of world, यार। A kind of world. That is what I aspire. जैसे कि हाउ वी ट्रीट ईच अदर, यार आर वी ट्रीटिंग ईच अदर राइट? यू थिंक वी आर ट्रीटिंग ईच अदर राइट? वी आर टू हार्श, वी आर टू कॉम्पिटिटिव, वी आर टू सेल्फिश, वी आर नॉट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी एंड एज अ स्पीशीज, श्योर। जबकि पता है कि वी आर जस्ट अ ब्लिंक इन द हिस्ट्री ऑफ टाइम, यार अगर आप टाइम के कॉन्टेक्स में बात करो 70-80 साल क्या ही होता है, अगर जापानीज हो तो चलो 100 या 110। सही है, ठीक है। एक्सप्लॉयटेटिव नेचर लाइफ का हो गया है हर जगह। अभी मैं अपनी सोसाइटी में, मेरी लड़ाई हो गई थोड़े दिन पहले, चेयरमैन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पर मेरी चेयरमैन से ही लड़ाई हुई, बट बिकॉज दोस्त है तो वी एग्री टू डिसएग्री, और फिर चार दिन बाद हम फिर से नीचे मिलकर एक दूसरे को हैप्पी दिवाली। किस बात पे लड़ाई हुई थी? यार मेरी बिल्डिंग में ना सर्कुलर आया बीच में कि जितने भी हाउस हेल्प्स हैं वो पोडियम से नहीं जाएंगे। अच्छा, उससे हाउस हेल्प्स जाएंगे? उससे नहीं जाएंगे, हमें गरीब लोग नहीं चाहिए, दिखने ही चाहिए गरीब। यही वो सर्विस एलिवेटर लेंगे, वो रेजिडेंट्स वाली एलिवेटर नहीं ले सकते। ठीक। वो अब आपकी लॉबी से नहीं जाएंगे, वो बेसमेंट से आएंगे और जाएंगे। कुत्तों को आप हर एलिवेटर में ले जा सकते हैं। ठीक है, आई एम एन एनिमल लवर, मैं वो डिनाई नहीं कर रहा, but you are more a human lover, I would say. मतलब इंसान की तो इज्जत कर लो पहले, बेसिक बात है। एक इंसान जो है, जो आप ही की तरह है, वो जाएगा सर्विस एलिवेटर में, वो आपको आपकी जो मैनिक्योर्ड लॉन है उस पर नहीं जा सकता, गार्डन में नहीं जा सकता, वो पोडियम पे नहीं देख सकता है, वो चुपके चुपके बेसमेंट से आए, ऊपर जाए, चुपके से बेसमेंट से निकल जाए, हमारा काम कर जाए, लेकिन दिखे ना, काम कर जाए, दिखे ना। ये कैसी दुनिया है मेरी नजरों में? दे आर द रियल नेशन बिल्डर, यार। ठीक बात है। या फिर ये जो बिल्डिंग जिसने बनाई है, नीचे चार साल रह के, ताड़पत्री के नीचे रह के, डू यू एक्चुअली बिलीव इन ऑल दिस, और डू यू बिलीव दिस इज गुड फॉर योर ब्रांड? आई बिलीव इन दिस सर, और इसीलिए मैं काम यही करता हूँ, इसीलिए एक प्रिविलेज पे पहुंचने के बाद, और ये प्रिविलेज है मेरा। ये वैल्यू सिस्टम कब आया? हु आर द पीपल हु शेप्ड दिस वैल्यू सिस्टम इन यू? यार इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ पर्सन, यार। श्योर, ऑफ कोर्स। एंड सो हु आर द विलेज हेड्स फॉर यू? My mother to begin with. My father has also played a very important role, but I am more of a mama's boy. Sardarni mummy mil jaye phir karne ke, come on yaar. My mother, the choices that I have made, my friends, my wife, 10 saal se hum ek dusre ke saath hain. She met me at a very formative time in my life. Aapki kahan hui thi mulaqat? Kab hui thi? Kaise hui thi? Hum Bombay mein mile the. Acha. We met through a common friend. और पता नहीं इसको भी लोग गलत सेंस में ले सकते हैं कि कैसे, मतलब कि मेरा एक दोस्त था यार। अच्छा, तो वो मुझे आया, मुझे मिलने के, भैया एक बड़ी सुंदर लड़की है भैया, मेरा दिल आ गया उसको, भैया मैं मिलवाना चाहता हूँ आपको, भैया वो आप मिलोगे ना उससे, भैया थोड़ा सा मतलब मेरी सेटिंग करा देना। ठीक है, आ जा तू घर, आ जा लेके। बस वो भैया के घर लेके आई, भैया को प्यार हो गया।
क्या उसी वक्त आपको इट वाज लव एट फर्स्ट साइट लव एट थर्ड साइट अच्छा तीसरे दिन मैन तो वो दोस्त अभी भी दोस्त है है बिल्कुल है उसकी भी शादी हो गई है वो भी बहुत खुश है अच्छी बात अच्छा दोस्त है दिस इज क्वाइट फनी दैट्स फनी एंड इट्स ब्रिलियंट दैट यू बड़ा गिल्ट हुआ पता है पहले के एक डेढ़ महीने तो बड़ा गिल्ट हुआ वो तो एक ब्रो कोड और ये सब जी यही ब्रो कोड भैया आपने ब्रो कोड तोड़ा है भैया गर्लफ्रेंड होती तो मैं समझ सकता था यू वर आल्सो परस्यूइंग हर ठीक है Anyway, बाकी ज़्यादा चीज़ नहीं नहीं आ जाओ मज़े था डायरेक्शन में जा रही थी बात नहीं मतलब इट वाज लाइक ही वाज इंटरेस्टेड इन हर ठीक है एंड कंपनी देने के लिए उसने मुझे फोन किया था और मैंने दे दी कंपनी हमने भाई सही है जो होना था वो हो गया लव एट थर्ड साइट हो गया एंड शी सेड समथिंग वेरी स्केरी देन बट थोड़ी उस वक्त फटी बट देन क्योंकि प्यार व्यार हो चुका था थोड़ा करंट वरंट लग चुका था शी सेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल आई थिंक माय वाइफ इज गोना किल मी फॉर दिस शी लाइक कि पता नहीं विक्रांत जब मैंने तुम्हें देखा था ना पता नहीं मेरे मन में से आवाज़ आई थी दैट मेरे बच्चों का बाप बनेगा तो यही बनेगा शी लाइक आई सॉ द फादर ऑफ माई किड्स इन यू और तब से लेके आज तक और सच में मैं उसके बच्चे का बाप बन रहा हूँ क्रेजी ये तो क्रेजी बात है इट्स क्रेजी एंड व्हाट कन्विंस्ड यू टू लाइक गेटिंग मैरिड इज अ ह्यूज स्टेप इन वन्स लाइफ व्हाट कन्विंस्ड मी मतलब व्हाट नहीं कन्विंस चलो गलत शब्द हो सकता है व्हाट डू यू थिंक वर्क्स फॉर दिस रिलेशनशिप व्हाट वर्क्स फॉर यू फॉर मी या कंपेनियनशिप यार आई थिंक फ्रेंडशिप कंपेनियनशिप पर इसको अगर और डिटेल में समझिए और डिटेल में अगर समझें दैट शी इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ माई बींग नॉट फॉर वॉट शी इज़ डन फॉर मी अट्रैक्शन बिगिंस विद द काइंड ऑफ पर्सन द अदर पर्सन इज राइट अच्छी इंसान है वो यार शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बींग यू हैड डेटेड पीपल बिफोर दैट ऑफ कोर्स नहीं नहीं मुझे पता नहीं आपकी पर्सनालिटी कैसी थी हो सकता है आपने ना किया हो नहीं, हो सकता है आप एकदम इंट्रोवर्टेड आदमी एकदम शुटू नहीं इंट्रोवर्टेड हूं सोशली ऑकवर्ड तो मैं हूं आज भी हूं बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हूं बट यू आर मैनेजिंग इट क्वाइट वेल यार आई एम वेरी हैप्पी इन माय स्पेस यार आई हैव कम इनटू माय वो दिख रहा है राइट नाउ यू आर वेरी कंफर्टेबल पर वो कभी परमानेंट नहीं होता होगा मेरे हिसाब से वो साइक्लिकल है वो आता रहेगा डाउट तो अभी यहां पहुंचते कैसे हैं Like, what has been the personal journey? Obviously, कोई रामबाण नहीं, कोई formula नहीं है. Correct. What has worked for you is what I want to understand because you do seem like a person who's not always been the most confident. Yes. Yes. Not... I have major confidence issues. हाँ. यार. और मुझे पता है कि आगे अभी भी बहुत चीजों को लेके मेरे में major confidence issues हैं. But वो एक spring जो लगा है ना, वो उसका catalyst विनोद चोपड़ा है और राजू हिरानी है. मतलब ये last 2 साल में ही हुआ है? ये last 2 साल में ही See, in front of the camera. अब हम पहुंच गए हैं, उतरते हैं. We'll continue this. We'll. मेरे लिए बड़े हैं ये वैसे. देख के बता आप साइन भी कर देना, मैं ऑक्शन भी करा दूंगा. बहुत अच्छे लग रहे हो. कुछ नहीं मिलेगा ऑक्शन कराने में. अभी मत कराना, 20 साल बाद कराना. ओके ठीक है. और 20 साल बाद क्या होने वाला है? 20 साल बाद व्हाट इज द प्लान? कुछ मिल जाएगा शायद. व्हाट इज द प्लान? यार कितना भी प्लान कर लो, लाइफ हैज इट्स ओन कोर्स. अब वार्म अप हो गया. यू कैन कॉल मी संदेश और यू कैन कॉल मी एनीथिंग. यू कैन कॉल मी भाई. तो सर की जगह भाई कर दो ना. भाई कर देते हैं. हां भाई कर देते हैं. तो कहां थे हम कॉन्फिडेंस वाली चीज पे. सेल्फ डाउट तो होता रहता है यार. इट keeps coming from time to time, as you said it rightly, cyclical होता है. You are वो तो है, पर I want to understand from you how that transition happens, or maybe we can get to it when we warm up in this space again. I really want a segment called water shots with Vikrant Messi. I want to promote hydration, Vikrant. मैंने कल ही अपनी बीवी से कहा कि भैया पिछले एक हफ्ते दिवाली के चक्कर में मैंने इतनी पी है और मुझे मेरे बहुत ही क्लोज मित्र का भी मैसेज आया था कि भाई साहब तुम थोड़ा सा दिवाली तुम्हारी कुछ ज़्यादा लंबी नहीं चल रही. क्या पीते हो, क्या प्रेफर करते हो, अगर ये बोल सको? नहीं बिल्कुल बोल सकते हैं. कोई इलीगल काम तो नहीं है. लीगली डिपेंड्स. दिन है तो जिन, रात है तो वॉडका.
दिन है तो जिन ये रोटी चाटे वाली लाइन से यार ये कहां से हो रहा है ये तुम्हारा योर इफेक्ट इज रबिंग ऑन टू मी आई एम द इंस्पिरेशन योर द इंस्पिरेशन अरे भाई दिन है तो जिन रात है तो वोडका अगर ऐसी कोई फिल्म आपको ऑफर हो जाए तो क्या बोलोगे प्रोड्यूसर को कैसी फिल्म दिन है तो जिन रात है तो वोडका ये फिल्म का नाम है कोई बात नहीं यार बहुत ही अपसेट नाम आते कई बार तो जैसे कि आते हैं यार मतलब हसीना को पसीना ऐसी आपको ऑफर हुई है हाँ गाना था टाइटल ट्रैक था सुनाया गया था मुझे बकायदा कि ये गाना है हसीना को पसीना पार्टी एंथम बनेगा लोग पार्टी करेंगे हमने कहा आप ही करो पार्टी मैं नहीं करता पार्टी मैं निकल लिया वहाँ से अभी किस टाइप की स्क्रिप्ट ऑफर हो रही है देर आर स्क्रिप्ट कमिंग माई वे विच प्रॉबली कुड नॉट बी मेड 10 years बिफोर ओके पर अब क्योंकि लोग वैसा देख रहे हैं आप अब लोग लिख भी रहे हैं What is the last good thing you saw apart from 12th fail? एक नई फिल्म आई आपने देखी है 12th fail बहुत ही बड़ी अच्छा एक्टर है क्या बहुत अच्छा उसका सरनेम थोड़ा बड़ी फनी था मेसी बोलते हैं लोग मुझे आई डोंट माइंड एक्चुअली लियोनेल मेसी के नाम से मेसी हां अच्छा मेसी भी बुलाते हैं बट वर्स्ट इज लोग मुझे विक्रम भी बुलाते हैं एंड आई रिस्पोंड टू दैट यार मैंने एस्पिरेंट्स का सीजन 2 देखा मुझे अच्छा लगा 12th fail के बाद देखा या क्योंकि वो 12th fail के 2 दिन पहले ही आया हां और मैं प्रमोशंस में इतना बिजी था कि 2 दिन पहले ही मैंने खत्म किया है वो देखना मैंने पता यूपीएससी का जितना कंटेंट बनता है इस दुनिया में मैंने बहुत कम देखा हुआ था द फर्स्ट थिंग आई सॉ वाज योर फिल्म एंड नाउ आई हैव गॉट थ्रू योर फिल्म आई हैव गॉटन अट्रैक्टेड टू थिंग्स लाइक एस्पिरेंट्स इज आल्सो डीसेंट यू कैन वॉच इट इट्स गुड क्या है सबसे इरिटेटिंग हैबिट आपकी मैं लेट पहुंचता हूं यार मैं कितनी भी कोशिश करूं मैं 15-20 मिनट हमेशा लेट हो जाता हूं और मुझे ही उससे चिढ़ मचती है कभी डांट पड़ी इस बिल्कुल बात पड़ी वीवीसी से तो पड़ी हो बिल्कुल पड़ी है आई हैव टू चेंज दैट अबाउट मी आई रियली वांट टू चेंज दैट अबाउट मी नहीं यार क्योंकि सच में पता है दिन के 24 घंटे कम लगते हैं हाँ कम तो होते हैं दिन के 24 घंटे कम मेरे को तो लगता बढ़ाने चाहिए सरकार को चिट्ठी लिखी जाए Maybe I have to remove the jacket. चमक रहा है बहुत नहीं नहीं चमक नहीं रहा I feel like we were in better energy in the car Felt like the energy was better. Yeah, नहीं मुझे तो I'm तो warming up, I'm loving it. Fit ही है. आपको ठीक लग रहा है ना? Fit ही है. मुझे लग रहा है कि वहाँ में एक stage of camaraderie में पहुँच गए थे. नहीं नहीं अभी मेरे लिए तो है अभी भी. ठीक है. तो फिर ठीक है. आप दिलास बात. Then I am overthinking it. Maybe. Yeah. Maybe. All right. और सब सही है कल रात को मैं क्रिकेट खेल रहा था बहुत सही छक्के मारे कल मैंने कहाँ खेलते हो टर्फ पे खेलते हो हाँ नहीं मतलब वो जो इंडोर फुटबॉल टाइप होते हैं ना हाँ वो टर्फ ही बोलते हैं उसमें क्रिकेट खेल रहे थे हम तुम लोग कैसे खेलते हो ऊपर लगा आउट ऊपर है ही नहीं हम ऐसे टर्फ में जाते हैं जहाँ ऊपर कवर ही नहीं है कवर ही नहीं है अच्छा नहीं ऊपर लगने का जहाँ ऊपर कवर भी होता है वहाँ आउट नहीं होता वहाँ का टप्पा मान लेते हैं अच्छा तो बंटे बनाएं खेलते हो आप लोग नहीं अरे नहीं नहीं, 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 नहीं पर उसका एक टप्पा है अगर उसे लग के बाउंड्री पे गई तो चौका है तो चौका है छक्का अच्छा, नहीं है और उसको लग के कैच नहीं हो सकता क्योंकि वो टप्पा हो गया करेक्ट तो बॉक्स टाइप ही है ना या बॉक्स टाइप डू यू लाइक क्रिकेट आई लव कौन है फेवरेट क्रिकेटर कौन है रोहित शर्मा व्हाई रोहित शर्मा व्हाट स्टैंड्स आउट आई एम अ हार्डकोर बॉम्बे गाय ना मुंबई इंडियंस वही कनेक्शन है वो खुद बॉम्बे का है डोंबिवली का है A lot of people don't agree with me. मेरे दोस्त बड़ा लड़ते हैं मुझसे बड़ा वो किसके फैन है जो दोस्त हैं नहीं बता दो मतलब कोहली फैंस हैं और कोहली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन वी हैव उसमें तो कोई डाउट नहीं कोई ऐसा है आपका दोस्त जो बोलता है केएल राहुल इज ग्रेटर देन रोहित शर्मा क्या इतनी हिम्मत कोई कर पाता है नहीं ऐसा कहा नहीं बट ही कुड बी राइट यू डोंट नो नॉट राइट नाउ unless you have to work with sunil shetty he is world class yaar he is world class he is world class hai world class usme koi doubt nahi hai and ab because you've spoken about it so main bhi thoda cricket ki knowledge jhadunga abhi ji kare head position is better than anyone else i think ek bar agar demonstration de de agar bat de do main de deta hu hum actually bat laaye hain laaye kya baat hai are wah yaar ye to bahut time baad dekha maine aur ye kuch ye to phatta hai ab to bahut time ho gaya mujhe hata isko hata bahut time ho gaya ab maza aayega मैं बड़ी नकल करता था बचपन में पता है सारे बैट्समैन की दादा की तरह खड़ा होता हूँ प्रिंस ऑफ कालकुटा बोलो कौन बोलता था जेफरी बर्ग अरे भाई फिरकी डाल दी कचरा अरे यार ये कारपेट पे इट्स अ टर्निंग पिच मैं आपको स्पिन नहीं कराऊंगा नहीं स्पिन कराओ क्यों नहीं कराओ यार मे बी यू नीड एन इजियर बॉल इट्स फाइन ये आपने अभी ईगो 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 पे आ गई बात ठीक है सही है टेक्निक है अरे दुनिया में बहुत अच्छे इंसान हैं
ये सिनिसिज्म जो हमारे अंदर घुस गया है ना, ये बहुत खराब है. बट इट्स नॉट एज काइंड अ वर्ल्ड एज यू वुड वांट इट टू बी. इट इज नॉट. या बट इट इज यू डू हैव पीपल हु कैन बी दैट काइंड. सर लगभग मेरा ये मानना है 80% से 85% लोग जो हैं इस दुनिया में अच्छे हैं. 80 से 85? बिल्कुल सर. और ये चीज मुझे खास तौर पे मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी के दौरान रिइटरेट हुई है. ओके. अनजान लोग जो उन्हें नहीं जानते हैं या ना वो जानते हैं कि वो मेरी पत्नी है, देव गॉन आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प अ प्रेग्नेंट वुमन. बट यस, हैविंग सेड दैट, मैंने जो गाड़ी में कहा कि आई डेफिनेटली वांट अ काइंड ऑफ वर्ल्ड, जस्ट अ ब्लिंक इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स. यार किसी प्लेनेट पे जाने का मौका मिले तो कौन से प्लेनेट पे जाओगे? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा. अरे यार ये कैसी बात है? मैं कहीं नहीं जाना चाहूंगा. मैं आपको एक इच्छा दे, एक 24 घंटे के लिए जा पाओ तो कहां जाओगे? मैं आई वुड वांट टू एक्सप्लोर द ओशंस देन. ओके. या अर्थ का ही? अर्थ का ही. अर्थ कौन से ओशन, कहां जाना है? क्या सर, मेरे घर के सामने समंदर है अरेबियन सी, मैं वो एक्सप्लोर करूंगा सर. तो अंडर वाटर जाना चाहते हो? आई वांट टू गो अंडर वाटर, सी व्हाट लाइफ इज. चीयर्स टू दैट. चीयर्स टू दैट. चीयर्स टू हाइड्रेशन. चीयर्स टू हाइड्रेशन. बहुत जरूरी है, पानी पीते रहिए. Or there is this author called Tim Marshall. He's a very interesting guy. Because you are so inclined and you're a political science student yourself, so you should read about it. Puri research pakki hai. Haan ji. Birthday ka baat hai mera? Birthday nahi. Kab hai bata do, ab yaad rakh, yaad rakhunga. मैं नहीं बता रहा. क्यों? रिसर्च करके आओ. अरे यार बता, किसी को इंटरव्यू देने आते हो? क्यों मेहनत करवा रहे हो यार? इट इज सर्वेपल्ली राधाकृष्णन्स बर्थडे. इट इज टीचर्स डे. विनोद चोपड़ा 5th सितंबर. हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ. ऑल ग्रेट ग्रेट पीपल आर ऑन बोर्न ऑन द 5th ऑफ सितंबर. विनोद चोपड़ा 5th सितंबर. 5th ऑफ सितंबर. तो 3 इडियट्स में 5th सितंबर क्यों लिखा हुआ था? वो मुझे वो उन्हीं का बर्थडे है. मुझे लगा चेतन भगत ने किताब में 5 सितंबर लिखा होगा, इसलिए. चेतन भगत की किताब पे वो फिल्म आधारित नहीं थी. ओके कैंसिल. ये चीज मैं खुद कह दूं स्पष्ट शब्दों में, ठीक है. और चेतन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. हाँ. मैंने उनकी हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म भी की. क्या सबसे इरिटेटिंग बात चेतन भगत की? मैं उनको इतने अच्छे से नहीं जानता व्यक्तिगत रूप से. मैं इतने मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं. इज मुंबई अ गुड प्लेस टू रेज अ किड, यू थिंक? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं. व्हाई नॉट? द प्लेस हैज नथिंग टू डू विद इट. नो, घर का माहौल डिपेंड करता है. टू क्रैम्ड एंड लाइक टू कंजेस्टेड एंड लाइक. आपके एरिया में तो हैं पार्क्स वगैरह? हैं. आपका एरिया बढ़िया वैसे है. पार्क्स वगैरह बहुत हैं. लेकिन बाकी नहीं. मेरे इज इट टू फास्ट सिटी? इट इज. यू नो द वैल्यू सिस्टम दैट यू हैव मुंबई में, वो वैल्यू सिस्टम थोड़ा मुश्किल नहीं है? सर वैल्यू सिस्टम तो घर से होता है ना, तो घर का माहौल कैसा है वो ज्यादा मैटर करता है ना. आप कहीं भी रह सकते हैं. आप ही के स्कूल में जाएंगे क्या? नहीं, नहीं, मेरे स्कूल में नहीं जाएंगे. नहीं, क्यों? 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 सर मेरे स्कूल में मोस्टली जो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज बैकग्राउंड से आते हैं वो लोग जाते हैं. ओके. अब आपका इकोनॉमिक स्टेटस अलग है? नहीं, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस, इट इज बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज. मैं कहता हूँ कि अगर शायद मेरी स्कूलिंग थोड़े बेटर स्कूल में होती, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा स्कूल बहुत बुरा है, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी अपने स्कूल से या उस एटमोसफियर से जो शायद मैं एक सो कॉल्ड बड़े स्कूल में नहीं सीख पाता. ठीक बात है, अपने बेनिफिट. ठीक है, मेरी लर्निंग अलग रही है. तो आई वुड वॉन्ट टू प्रेजेंट बेटर अपॉर्चुनिटीज टू माई चाइल्ड. वॉट इज योर रिलेशनशिप विद मनी बीन लाइक? हाउ इज दैट इवॉल्व्ड? How's that going right now? It all started because of money. Okay. Lack of money, rather. What all started? This career, you mean? Or stepping out of the house and wanting to support your family. You know, I decided that I have to step out of my house to support my family and fulfill my own basic requirements, because my father was under immense pressure to raise a family. Basic middle class. प्राइवेट सेक्टर से आते थे. रिटायरमेंट पे भी उनकी सैलरी 48,000 थी. और कहीं ना कहीं अपने ही छोटे से इकोसिस्टम में ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि जिनके पास पैसा है उनकी ही इज्जत है. और ये अनफॉर्चुनेट, ये बिटर ट्रूथ है. अब जैसे कितने भी हमारे नेशनल समिट देख लो, कॉमनवेल्थ के टाइम पे भी हुआ है, जितने भी गरीब हैं उन सब के घरों को ढक दिया गया. सच है ना ये? बिल्कुल. पर ये क्या सही नहीं है? क्यों सही है सर? I don't know. Maybe they're not aesthetically that pleasing to the foreigner. Aesthetically, sir, we are. Why should we see the poor people? We are a very young nation. We are only 75 years old. और अगर aesthetics आपकी priority है, तो आपकी priorities बहुत गलत हैं. The so-called socially backward classes still need to be uplifted. They need to be provided the right opportunities. And it begins with all of us coming together collectively. और ये सच है कि जिस दिन पैसा बनाया और गाड़ी खरीदी, तो उसी इंसान का गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग बदल गया सर.
वो लैक ऑफ रिस्पेक्ट आपको एक दो इंस्टेंस बता सकते हो, क्योंकि लैक ऑफ मनी की वजह से लैक ऑफ रिस्पेक्ट आपको खुद भी दिखी होगी, तभी तो आपको इतना असर किया। सर दिखी है, एक इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने लोगों को घर बुलाया, अपने दोस्तों को, बहुत गहरे दोस्त, स्कूल या कॉलेज? कॉलेज के टाइम की बात है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट। तो मैं आपको मानसिकता बता रहा हूँ लोगों की। जी जी जी। उनको घर बुलाया क्योंकि मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो मैंने बोला घर आओ यार, दावत पे बुलाया सबको। जब घर की दशा देखी उन्होंने, उन्होंने देखा कि प्लास्टिक की कुर्सियाँ हैं घर पे, पेंट चिप हो रहा है, सीलन लगी हुई है सीलिंग पे, किचन उनके हिसाब से एस्थेटिकली क्लीन नहीं था, तो अगले दिन से फिर उनका बर्ताव मेरी तरफ बदल गया। जब तक मैं उनको घर नहीं लाया तब तक वो मेरे बहुत करीब थे। जिस दिन, और तभी BBM का ज़माना था, तो वाया मुझे चैट्स दिखाई गई हैं कि विक्रांत का घर कैसा है, ओह माय गॉड ही लिव्स इन अ हाउस लाइक दैट, उसको देख के तो लगता नहीं है, एंड आई रियलाइज्ड इट वेरी अर्ली इन। हाउ डिड दैट नाइट गो? आई वाज डिस्टर्ब्ड ऑफ कोर्स, आई ट्राइड टू कन्फ्रंट बिकॉज़ आई वाज यंग, आई वाज लाइक कि क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग माय फैमिली। अच्छा, आपके घर के अंदर ये कॉन्फ्रंटेशन हुई? नहीं नहीं हुई नहीं, मेरा मन था कन्फ्रंट करने का, मुझे मेरे दोस्तों ने मैसेज दिखाया। नहीं, पर जब वो आए थे, जब वो प्लास्टिक चेयर पे बैठे हैं, जब आंटी ने अच्छे से खाना बनाया उनके लिए कि भाई विक्रांत के दोस्त आए, वो खाए पिए और एक घंटे के अंदर ही अंदर वी हैव टू गो, वी हैव टू लीव, यू कुड सी द डिस्कम्फर्ट ऑफ कोर्स। सो दैट हैपेंड एंड देन आई रियलाइज्ड कि अच्छा, बर्थडे पार्टीज पे मेरे दोस्तों की बर्थडे पार्टीज होती थी, इमीडिएट नेबर्स की, हॉलीडे इन में करते थे, वो अपने ही सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वालों को बुलाते थे, और खेलते हम रोज साथ में थे, लेकिन बर्थडे के दिन हमें नहीं बुलाते थे क्योंकि हम ऑटो में जाते थे, तो वो देखा है। कॉलोनी वाले भी ऐसे ही? इमीडिएट नेबर्स की बात कर रहा हूँ मैं। सो वो नहीं बुलाते थे, और हमारा ही होता था कि यार 5-star होटल देखेंगे, स्विमिंग पूल देखेंगे, तब तक तो यह था कि स्विमिंग पूल का पानी नीला कैसे होता है पता ही नहीं था। कभी फैमिली हॉलीडे ली नहीं क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाए। फैमिली हॉलीडे हमारी होती थी वर्सोवा टू जोगेश्वरी, मेरे फादर के मदर के घर, या वर्सोवा टू अम्बोली, और ये सब आधे आधे घंटे के रेडियस में है। वेयर डज द इनसिक्योरिटी लीड यू? बिकॉज नॉट द इनसिक्योरिटी, द नीड टू बी रिस्पेक्टेड फॉर व्हाट आई एम रादर देन व्हाट आई पोजेस। ये हुआ कि टीवी में बहुत पैसा कमा लिया फिर, ठीक है, मतलब 24 की उम्र में पहला घर खरीद लिया। वाओ यार, लवली। और मिडिल क्लास माइंडसेट ना, कि बेटा बच्चे सेटल हो जाएं, सेटल हो जाए मतलब खुद का घर हो, उसको बोला, एंड ऑल ऑफ दैट रिग्रेसिव कंटेंट ऑन टीवी वाज हैपनिंग साइमल्टेनियसली। अब लेकिन यार यहाँ से मैं निकल के ना अपने आप को ना सिनेमा में एक मौका देना चाहता हूँ। तो ये कैसे होता है कि आप पैसे से इतने सिक्योर हो गए फिर, कि आपने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया? पैसे से सिक्योर हो गए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये रियलाइज किया कि पैसा सुकून की नींद नहीं देता है। ये कब आई रियलाइजेशन? ये 23-24 की उम्र में आ गया, जब घर खरीद लिया, जब जो भी अंडे वाले का, ब्रेड वाले का, दुकान वाले का, इसका उसके, सबकी उधारी चुका दी, रिश्तेदारों से जो जो लिया था उनको वापस दे दिया, जो ज्वेलरी गिरवी रखी थी वो छुड़वा ली, जो सारी चीज़ें होती हैं एक नॉर्मल इंसान के जीवन में वो सब कर लिया। जब पिताजी के कंधे से और माता के कंधे, मेरी माँ सुबह 4 बजे उठ के ऑफिस जाने वालों के लिए टिफ़िन बनाती थी, फिर शाम को बच्चों को ट्यूशन देती थी टू मेक एंड्स मीट। जब उनको वो सब नहीं करने की ज़रूरत पड़ी, जब वो सारी चीज़ें मैंने कर ली, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार पैसा तो बहुत आ गया लेकिन नींद तो नहीं आ रही, रेस्टलेसनेस तो अभी भी है। हालांकि लोगों के गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बदल गए, बट देन आई सेड कि यार, एंड आई एम ग्लैड कि बहुत यंग एज में मुझे ये एक्सपीरियंस मिला, बहुत अच्छा हो गया ये तो। तो मेरे पेरेंट्स हैरान हो गए जब मैंने कहा कि मैं फिल्मों में रिस्टार्ट करना चाहता हूँ, ट्राई करना चाहता हूँ। ये लाइक, बेटा तुम मतलब आर यू श्योर, क्योंकि I was making a lot of money. अब सब कुछ बता ही रहे हैं, तो मतलब एक 24 साल के लड़के के लिए 35 लाख रुपए महीना बहुत होता है, और एक ऐसे लड़के के लिए जिसके घर में मतलब 15 दिन फादर की सैलरी चलती थी, 16वें दिन से क्राइसिस मैनेजमेंट शुरू हो जाता था। तो यू क्विट एट दैट स्टेज जहां 35 लाख आ रहा था, 35 लाख रुपए महीने का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था मेरे हाथ में। That's crazy money. I left it. I said, नहीं यार, पैसे से नींद तो नहीं आ रही भाई, अब अच्छा काम करके थोड़ा सुकून ढूंढने की कोशिश करेंगे, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड देन माय सेविंग्स गॉट एग्जॉस्टेड इन अ ईयर एंड अ हाफ, 1.5 साल में मेरी सेविंग्स खत्म हो गई। ओके, और तब शीतल थी मेरे साथ,
तो 4-5 महीने मुझे उन्होंने ऑडिशंस फिल्म ऑडिशंस पे जाने के लिए पॉकेट मनी वो देती थी मुझे पैसे जो सेव करके रखे पैसा जब इतना आया तो वैल्यू सिस्टम चेंज नहीं हो रहा था थोड़ा सर जब थोड़ा तो सर पे चढ़ा होगा यार 24 साल का लड़का इतना पैसा कमाए सर पे ना चढ़े सर ये क्या राम जी के अवतार है नहीं 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 सर ये बहुत बड़ी बात बोल दी आपने लेकिन सर मैंने अपने फादर को भी स्ट्रगल करते हुए देखा ना सर तो बहुत जल्दी ये पता था कि क्या नहीं करना है पर वो पता होता है लेकिन जब पैसा आ जाता है तो आदमी नहीं नो कभी नहीं ओके कूल आज भी मुझे ये पता है कि पैसा कभी भी जा सकता है अब बिकॉज आई चेस्ट इट राइट एज आई टोल्ड यू आई चेस्ट कि यार मतलब पैसे से ही अगर समाज में इज्जत है तो हम भी पैसा बनाएंगे और जब पैसा बनाया और इतना बनाया कि पता चला कि यार ये तो बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है पैसे से इज्जत है वैसे नहीं होता और आई एम ग्लैड वो विचार उस वक्त आए वरना मैं शायद यहाँ नहीं पहुँच पाता एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग एन एक्टर देन इट रिफ्लेक्ट्स इन योर चॉइसेस दैट यू स्टक टू मेरे दोस्त भी वही हैं मेरे 25-25 साल पुराने दोस्त हैं वो जो प्लास्टिक चेयर पे बैठ कर नाराज हुए थे उनमें से कोई दोस्त है अभी नहीं अच्छा किया वेरी गुड मैं आई फॉरगिव बट आई नेवर फॉरगेट मैं कभी नहीं भूलता चीज़ें हमेशा याद रखता हूँ थोड़े मतलब ऐसे एकदम विलन वाली वाइब दे रहा हूँ ना मैं वो जिसको शीतल जी साइलेंट एरोगेंस बोलती हैं yes. थोड़ी रिसर्च yes. हमने भी की है yes. कभी चिल्लायो मम्मी पापा पे कभी कभी चिढ़ जाता हूँ बट कभी चिल्लाया नहीं हूँ मैं और अगर चिल्लाया भी होगा तो इसलिए कि यार मम्मी मैच देखने दो ना यार नहीं जाना मुझे अंडा लेने भेजो किसी और को मोनू को भेजो वो क्या कर रहा है बैठ के कौन सा मैच था यार मैं टेस्ट मैचेस देखता था न्यूजीलैंड वाले भी उठ सुबह उठ के मैं ऑस्ट्रेलिया वाले न्यूजीलैंड वाले रात को वेस्ट इंडीज वाले भी बैठ के देखता था क्या बंदे जो न्यूज़पेपर में दूसरे पेज पे आपका आता है वहां पे बैठ के पूरा देखता था कि कार्टून नेटवर्क पे क्या कितने बजे आने वाला है स्वॉट कैट्स 4 बजे आता है स्वॉट कैट्स देखते थे आप दोनों भाई मिलकर स्वॉट कैट्स अरे यार स्वॉट कैट्स देखते थे रिलेटेबल बात बोल दी इंग्लिश में हिंदी में इंग्लिश इंग्लिश नहीं ये रिलेटेबल नहीं इंग्लिश कौन सी सबसे यादगार सीरीज कौन सी है टेस्ट सीरीज एक सीरीज बतानी पड़ेगी जो सबसे यादगार टेस्ट सीरीज अगर आप कहें तो वो जो लक्ष्मण की 281 वाली इनिंग्स थी सर 2001 की वो कैसे भूल सकते हैं आमतौर पे लोग टीवी बंद कर देते थे जब राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण खेलते थे वो पूरा दिन जो चौथा दिन है जो कलकत्ता टेस्ट का ओए पर आमतौर पे एक माइंडसेट ये था कि अच्छा ये है तो ये तो मतलब टिचू टिचू खेलेंगे 2 के रन रेट पे गेम चलेगा बंद कर दो ठीक है मैं तब देखता था क्योंकि फिर दादा आते थे उनके आप शुरू से रहे ना पहले से राहुल द्रविड़ कहां से आया A lot of it is self-acquired, but a lot of it comes from my mother. How older is your brother? 5 years older to me. कैसा रिश्ता बताओ? वहाँ नहीं टच किया हमने. उनमें कितना ठहराव है? बहुत मुझसे ज़्यादा. वो बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है. Has he been a guiding light of sorts, or that is not the relationship? The relationship is more. He is a guiding light in a lot of things. But more of my personality or my character is dominated by what my mother taught me. वो किस पे गए? वो भी mom पे गए. His name is Mohsin, right? Moin. Moin. Oh sorry. Moin. Oh sorry. Moin. अब कैसे पैसे के लिए सारा रिश्ता? Sir, मैं सच बताऊँ? हाँ, सच ही बोल रहे हैं. और क्या झूठ कौन बोल रहा है? नहीं, मैं थोड़ा सा एक step आगे जाके बता रहा हूँ. मुझे नहीं पता मेरे account में कितना पैसा है. मैं अब ध्यान ही नहीं देता. And मेरी lifestyle वही है. मैं आज भी नाश्ते में अंडा खाता हूँ, लंच में दाल चावल और सब्जी बदलती रहती है. अंडा किस फॉर्म में होता है? सर, अंडे के भी फॉर्म बदलते रहते हैं. अच्छा, ठीक है. कभी हाफ फ्राई होता है, तो उसमें योग होता है या? होता है, बिल्कुल योग भी खाते हो? हाफ फ्राई में तो योग. सही बात है, वो तो होगा ही ना सर. पर एक योग या दो योग? दो भी खाते, 3 भी खाते हैं कभी. अच्छा, तो लंच में दाल दाल चावल इज फिक्स्ड, सब्जी बदलती रहती है. ठीक है. दही इज फिक्स्ड, अचार बदलते रहते हैं. ठीक है. विचार नहीं बदलते. दिन है तो जिन. दिन है तो जिन. That's how it is. वाह वाह. मैं पैसा कमा लूंगा सर. मैं अगर कल को भगवान ना करे कि अगर मैं एक्टर नहीं भी हूँ या अगर टीवी के भी दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए, मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मेरे अंदर इतनी स्पिरिट है कि मैं कुछ भी काम करके अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकता हूँ, को बेसिक्स प्रोवाइड कर सकता हूँ. उसके लिए फिर चाहे मुझे मजदूरी क्यों ना करनी पड़े, मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, पैसा मैं कमा लूंगा. पैसा कमाना मुझे आता है. आई मीन यू नीड सम ऑफ इट टू हैव अ सस्टेनेबल लाइफ, बट यू नीड इतना सस्टेनेबल लाइफ के लिए टू सॉल्व योर इश्यूज. उतना है, उतना सिक्योरिटी कभी की है? की है, बिल्कुल. अभी चल रही है? अभी नहीं चल रही. ओके. अभी नहीं. कितना टाइम की? हाउ मेनी थेरेपिस्ट हैव यू
been sir, to? I have met three therapists. Okay. और किस time की बात है? Sir, ये Death in the Ganj एक film की थी मैंने. हाँ हाँ. उस time की बात. अच्छा है. मैंने नहीं देखी ऐसी कोई film आई थी. मुझे क्या पता सर आपने देखी. अरे अरे सर अरे बताओ मैं शूटू वूटू कर रहा हूँ तब से. बताओ. नहीं तो उस फिल्म के दौरान मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था. इट रियली टुक अ टोल ऑन मी बहुत ज़्यादा. और मैं जब घर वापस आया तो मेरे घर वालों ने मुझे नोटिस किया कि ये थोड़ा सा इरेटिक बिहेव कर रहा है. अच्छा. मैंने फिल्म झारखंड में शूट की थी. पूरी पिक्चर झारखंड में शूट हुई थी. व्हेन आई केम बैक आई थिंक आई रिटेन्ड अ लॉट ऑफ शूटू अ लॉट ऑफ माई एक्सपीरियंसिस. एंड एज आई सेड कि आई एम नॉट अ ट्रेंड एक्टर तो मेरा ऑब्जर्वेशन और मेमोरी हो गया या खुद का ही पता नहीं क्या है वो बट खुद का ही मैं कुछ ना कुछ बनाते रहता हूँ पर वो कभी चलता क्या है प्रोसेस देन यार कुछ तो बताओ कुछ मतलब एक कैरेक्टर का स्पेसिफिक कुछ इंटरनली क्या चलता अभी है अगर शूटू की बात करें. हाँ. तो शूटू की अगर हम बात करें तो आई जस्ट वांटेड पीपल टू फील फॉर अ बॉय हु शाय हु सोशली ऑकवर्ड हु इज नॉट अ बैड पर्सन हु कुड बी मिसअंडरस्टूड. ठीक है. अब ये सारी चीजें हमारे साथ भी हुई हैं. ठीक बात है. ये थॉट सही है. इंटरनली अगर कुछ भी बता सको. I'm sure it's hard to articulate and I'm sure एक हाँ it's actually hard to articulate. पता नहीं आप थोड़ा मतलब कुछ एक्टर्स होते हैं जो प्रोसेस बताना भी नहीं चाहते हैं. नहीं मेरा वैसा नहीं है सर. मैं प्रोसेस जिस दिन ढूंढ लूंगा मैं खुद शेयर करूंगा. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चलो ओवरऑल एक प्रोसेस नहीं है पर किसी एक कैरेक्टर का क्या जर्नी रही क्या पढ़ा या किसी एक चीज से ट्रिगर हो गया थॉट कि यार ये करना है. अब जैसे अगर 12th फेल की हम बात करते हैं जो मनोज कुमार सर के स्ट्रगल्स रहे हैं वो वैसे स्ट्रगल्स मेरे भी रहे हैं. वो भी बहुत ही आत्मसम्मान उनके लिए बहुत मैटर करता है मेरे लिए भी करता है. ठीक है. जो परसिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट थिंग दिखाई है वो मुझे लगता है मेरे अंदर है. दिस इज द क्लोजेस्ट दैट एनी कैरेक्टर हैज बीन टू मी. और आपने वो रिजल्ट वाले सीन में जब उसको पता चलता है कि वो पास हो गया वो गिर जाता है. ठीक बात है. और उसके बाद इंटरव्यू में वो कहता है ये तो ये जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो ये विनोद सर की और मेरी फेवरेट लाइन है कि वो जो एवरेस्ट का एनेक्डोट मैं बताता हूँ कि सर एडमंड हिलरी के बारे में सब जानते हैं लेकिन शेरपा एंग्रीटा के बारे में कोई नहीं जानता. वो पहले इंसान थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ा था और मैं भी सर यहाँ पे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के पहुँचा हूँ वो भी नंगे पैर. आई इक्वेट दैट विद माई ओन लाइफ. तो जब वो सीन चल रहा था तो सर ने कट बोल दिया और कट के बाद भी 5-7 मिनट तक मैं फूट फूट के रो रहा था. लेकिन जैसे मेरी मम्मी ने पॉइंट किया और वो भी थिएटर करती हैं. अच्छा जी. तो वो हाँ उन्होंने जब उनके तीनों बच्चे बड़े हो गए तो शी वेंट टू ब्रिटिश काउंसिल टू लर्न इंग्लिश देन शी डिड सम उर्दू कोर्स देन शी डिड थिएटर. तो वो अपना वो खैर वो एक साइड चीज़ है. उन्होंने पॉइंट आउट किया जब वो आप चक्की वाली जगह में काम कर रहे होते हो वहाँ भी एक क्लियरली जब आपके फादर वाले कैरेक्टर आते हैं जब आप वो चेयर देते हो यू नो व्हेन योर गर्लफ्रेंड आल्सो कम्स देयर मतलब वो गर्लफ्रेंड बोले या ना बोले वो अलग बात है बट व्हेन शी कम्स देयर इज अ सर्टेन बॉडी लैंग्वेज दैट यू हैव अडैप्टेड और अडॉप्टेड फॉर दैट रोल. सो हाउ डू यू वर्क ऑन दैट अगर हम टेक्निकलिटीज की बात करें. सर आई थिंक द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग प्रॉपरली योर बॉडी रिएक्ट्स ऑटोमेटिकली. यू कांट प्री डिसाइड कि व्हाट यू विल डू. Okay. करते हो ऐसा नहीं है करते हो बिकॉज कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं. अगर कैमरा यहाँ लगाए लाइट यहाँ लगी है तो आपको ये मार्क हिट करना है और आपको एक स्पेसिफिक लुक देना है. करेक्ट. बट मोर और लेस विद विनोद सर और इवन विद कोंकणा अ लॉट ऑफ इट वॉज इंटरनल विच ट्रांसलेटेड इन टू एक्सटर्नल इज वेल बट द प्रायोरिटीज नेवर बीन कि मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए. मुझे क्या सोचना चाहिए मुझे वो पता है और अगर मैं सही सोच रहा हूँ सही दिशा में सोच रहा हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज अपने आप वैसे हो जाए. पर कभी ऐसा भी हुआ है क्या कि आप कर तो रहे हो फील और आपको लग रहा है वो इफेक्ट कैमरा पे दिख रहा होगा क्योंकि अल्टीमेटली कैमरा पे दिखना भी तो चाहिए ना जो आप फील कर रहे हो जी. तो वो इफेक्ट ट्रांसलेट ना हो रहा हो क्या ऐसा होता हुआ है कई बार. ओके. होता है कई बार फिर करेक्शन होते हैं फिर शायद आप कहीं ना कहीं डिवाइड करते हैं कि अच्छा थोड़ा इधर भी ध्यान दे देते हैं सारा ध्यान यहाँ नहीं देते हैं यहाँ नहीं देते हैं. मैं बहुत लोगों से मिला हूँ मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ मैं जर्नल करता हूँ. सी व्हाई आई एम प्रोबिंग दिस मच विक्रांत इज दैट नॉट एवरीवन हु कैन ऑब्जर्व कैन आल्सो देन ट्रांसलेट इट इनटू अ परफॉर्मेंस. सो आई गेट दैट यू आर अ ग्रेट ऑब्जर्वर बट वेयर डज द परफॉर्मेंस लाई.
is what I'm trying to get at. Maybe this is a question only a novice like me will have. आप वो करते हो तो हो सकता है सवाल valid ही ना हो. नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल valid है. मुझे ताजुब इस बात का कि उसके जवाब क्यों नहीं है मेरे पास. क्योंकि आप करते हो, आपने कभी needy महसूस नहीं की उसे articulate करने की. You do it. But I don't know how I do it, na. At least ये तो पता होना चाहिए कि how you do it. Because I felt it like, I felt it more in 12th. Okay, I will tell you something. जी जी जी. अब एक चीज़, आइए, दिमाग में चमका, चमका, चमका. See, मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में हम सबका ना एक डिफेंस मैकेनिज्म है. मेरी एस्पिरेशन वो डिफेंस मैकेनिज्म तोड़ के आपके दिल तक पहुंचने की है, टू नो द रियल यू, टू सी द रियल यू, मे बी थ्रू द पार्ट्स दैट आई प्ले. एम आई मेकिंग सेंस? यू डू एब्सोल्युटली मेक सेंस, बट इट स्टिल इज एन इज द ऑब्जर्वेशन. पर आपका हर कैरेक्टर के लिए एक प्रोसेस नहीं है इतना, बिल्कुल नहीं. जो कि कितनी बेहतरीन बात है कि आप भी कहीं जवाब होता सर, आप भी कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हो ना फिर अपना क्राफ्ट. ढूंढ ही रहा हूं, ये बोलना ठीक होगा ना? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. हु आर द पीपल हु हैव हेल्प्ड यू विद एक्टिंग, स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस? जैसे कल ही मैं क्रेडिट पढ़ रहा था डेथ इन द गंज के, कि अतुल मुंगिया की वर्कशॉप हुई थी. वर्कशॉप हुई थी, ऑफ कोर्स दैट डेफिनेटली हेल्प्ड. हां, बट यू नो, बट आई कैन नॉट एट्रीब्यूट माय स्किल सेट्स टू एनीवन. हां, बट फिर भी गाइडेंस या मेंटरशिप? सर, मेंटरशिप अगर आप कहें तो दो लोग हैं जिनकी तरह मैं आज भी बनना चाहता हूँ. एक राहुल द्रविड़ है और एक इरफान खान है. मैं इन दोनों की तरह बनना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बी अ गुड मैन. परसिवियरेंस और पेशेंस ही खेलना है आपको? सर, परसिवियरेंस और पेशेंस नहीं है तो फिर क्या है? फिर सर नीजक रिएक्शन दीजिए, फिर बैठ के रिग्रेट करिए. कब हुआ है जब इस पाथ से थोड़ा हट गए? क्योंकि ये एक सर कई बार होता है, आज भी होता है. When you are yourself disappointed with yourself? I was disappointed with myself last night. Why? Because you agreed to this interview? No. Not at all. Because I have not been managing time well. I have not been managing. ये तो ठीक है, excellence की वो चाह में थोड़ा सा रह गए, पर कभी किसी और दिशा में ही चले गए? ऐसा नहीं हुआ आपका ये जो पूर्ण चरित्र है एकदम साफ, पाक साफ, कुछ हुआ है कभी? कुछ गलत साफ नहीं है सर. ये बहुत पुरानी कहावत है कि I am not a hero in everyone's life. मैं किसी ना किसी के जीवन में तो विलन हूं. अपनी आंखों में भी तो कभी गिरे होगे? दूसरों में तो विलन हो गई. अपनी आंखों में कब गिरे? अपनी नजरों से गिरे? आंखों में गिरे हो क्या होता है? एक रिलेशनशिप था मेरा जिसमें आई वेंट अ लिटिल, आई कुड नॉट टेक रिजेक्शन नाइसली. वर्बली थोड़ा सा मतलब आई क्रॉस्ड मल्टीपल लाइंस. शुडंट हैव सेड दैट. हाउ ओल्ड आर यू? 24. हुआ ये कि द पर्सन आई वॉज विद एट दैट टाइम, अब मैं थोड़ा सा कूलली बोल सकता हूँ और एक्सेप्टेंस भी है कि शी फेल आउट ऑफ लव एंड शी फेल इन लव विद अ फ्रेंड ऑफ माइन, जिसको मैंने अपने घर बुलाया. आपके फ्रेंड ग्रुप में बहुत होता रहता है सर, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा, ये ज्यादा स्टेप हो गया, थोड़ा सा ये ब्रो कोड है. ठीक है, ठीक, ये सीरियस मामला चल रहा है उस वक्त लगता था, पर एक्चुअली गलत नहीं है, गलत कोई नहीं है यहाँ. ठीक है, मैं गलत था, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ. I shouldn't have said she fell in love with one of your friends. जिसको मैंने अपने घर बुलाया था, जो मेरे घर में रुक रहा था और मैं काम पे जाता था. They fell for each other. Oh man. And she broke the news to me. मेरी नजरें अपने आप नीचे हो जा रही. पर थोड़ा क्या आपके साथ भी इनजस्टिस हुआ था उस सिचुएशन में या नहीं? नहीं सर, कैसे कह सकते हैं इनजस्टिस? I don't know. Two people, आपको, मेरे को सिचुएशन पता ही नहीं है. See, when two people fall in love, they fall in love. Correct. खत्म बात. And they are out of love. Both of them? Yeah, yeah. Yeah? Yeah, yeah. फिर अच्छी बात है. Why are you talking this honestly? Because you asked me a question. No, but you could have said no. I don't want to talk about it. क्योंकि नहीं, मैं विक्रांत, मैं खुश हूँ. मैं खुशी में सवाल पूछ रहा हूँ. अच्छा, नहीं, because ये सबके साथ होता है यार. As we spoke, यार, ये हम चर्चा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं. और मेरा ये मानना है कि अगर, और ये कोई ऐसी एलियन चीज नहीं, हम सब ने ये महसूस, हम सब ने गलतियाँ की हैं. बिल्कुल की हैं. और हम अपनी गलतियों से सीखे. मैं तो कह रहा हूँ आपने थोड़ी कम की है. नहीं, मैंने वो फिजिकल वायलेंस का भी बताया था. तो दसवीं में थे. मैं तो एक बच्चे को फोर्थ में ना एंकल लॉक दिया. टूट गया फिर उसको. फ्रैक्चर हो गया. उसके बाद किसी को नहीं मारा. ओह माय गॉड. नहीं नहीं, वो जो अपने आप से डर लग जाता है ना, वो हो जाता है फिर शुरू. मैं अपने आप से डर गया था. मेड इन हेवन मैंने देखा नहीं है. नहीं देखा? देखना चाहिए. मैं शोज नहीं देख पाता हूँ. हालांकि मुझे जो फेसेस हैं उस शो के मुझे बहुत पसंद है, जो क्रिएटर्स हैं वो बहुत पसंद है, लेकिन शो देखने में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती है. टाइम. मिर्ज़ापुर मैंने पूरा देखा है. फर्स्ट सीजन पूरा देखा. दूसरा नहीं देखा? मैं क्या, फर्स्ट में अपना बंदा मर गया. सेकंड क्यों देख रहा है? थैंक यू. और नहीं, पर देखना अच्छा है. यू सेड येस टू अ पार्ट विच हैड इंटीमेट सीन्स विद अनदर मैन, विच इज गुड. आई वॉन्ट टॉक अबाउट योर सेक्शुअलिटी. हैव यू एवर फेल्ट फीलिंग्स फॉर अ मैन?
feelings in the sense, like, are you talking about sexually? Romantic. नहीं. अब सेक्सुअल और रोमांटिक में क्या है उतना तो मैं भी नहीं जानता. नहीं, आई थिंक वो कोई और पॉडकास्ट. रोमांटिकली नहीं, बट आई लव माई गाय फ्रेंड्स अलॉट. मतलब आई लव देम, मतलब मैं उनको मतलब गले वले लगा के उनको गाल पे पपियां देता हूँ मैं. एंड आई अडोर सम ऑफ देम, आई एडमायर सम ऑफ देम, आई लुक अप टू सम ऑफ देम. नेवर फेल्ट द नीड टू द वांट टू किस सम गाय, सम गुड लुकिंग गाय, कभी कभी नहीं हुआ. ठीक है, बट आई हैव नो एप्रिहेंशन आइदर. अगर काम पे जब करना हो तो मैं कर लेता हूँ. माई वाइफ फाइंड माई परफॉर्मेंस or that little chunk in Made in Heaven as one of my best performances, by the way. That's wonderful. Then she called me and she said, I am so proud of you. I am so proud of you. Aur wo rui phir. I am so proud of you. How often does she cry? Very. Abhi to emotional zyada bhi hongi shayad, nahi? Nahi sir. Nahi, aisa nahi hota. Emotional, generally emotional log hain hum. To usko koi pregnancy se koi lena dena nahi hai. Wo hum generally bahut emotional log hain. Main kal hi roya hun. जब मैं अपनी बीवी से बैठ के बात कर रहा था कि यार मैं क्या कर रहा हूं यार, व्हाट एम आई डूइंग, आई एम नॉट. फूट फूट के रोए या आंसू? फूट फूट के नहीं, आंसू आते. फूट फूट के कब रोए थे लास्ट? व्हेन शी ब्रोक द न्यूज़ टू मी दैट शी इज एक्सपेक्टिंग. हाय. यस. फिर उसके बाद जब मम्मी को बताया और मम्मी को रोते हुए देखा तो तब फिर से मैं फूट फूट के रोया. माय मॉम वेंट हिस्टेरिकल, शी लाइक सच में सुनो, सच में, ओ माय गॉड, गॉड ब्लेस यू. फिर उनकी शुरू हो गई, बेटा नजरें उतारो, ये करो, नमक आ गया, मिर्ची आ गई, सब कुछ कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने. फिर उनको उस स्टेट में देख के बहुत रोया मैं. Do people talk about Haseen Dilruba as much as they should? They do. Nahin, it's a love crazy it. Arc to the character. It's, you don't expect it. Yeah. That is the human potential. That is a human possibility which has reflected so beautifully. Koi Bhagwan Shri Ram nahi hai. Sabke man mein Ravan bhi hai aur Ram bhi hai. I feel purpose. Who do you listen to? Like, you seem to be a very spiritually inclined person. I don't know. But is there a person you listen to? No, I don't listen to anyone. I am trying to listen to my inner voice. Now let's go back to my brother's name. Uska naam Moin hai. Mera naam Vikrant hai. Aaya hoga man mein ki Moin kyun hai naam. He converted to Islam. Mere ghar walon ne usko religion badalne diya. Ki beta tumko is cheez mein santushti hai, tum karo. At what age? When he was 17. It's a big step. Meri maa sikhni hai. मेरे फादर चर्च गोइंग क्रिश्चियन है, हफ्ते के दो दिन चर्च जाते हैं. सारे रिलीजन कवर हो गए हैं, सब हो गया. ठीक है, मेरी मेरी उसने इसलिए किया है, उसने कहा कोई मुसलमान है ही नहीं घर में. तो रिलीजन को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके ना, मैं बहुत यंग एज से ना बहुत क्लेश देखे हैं मैंने. ओके. माय फादर वाज क्वेश्चन्ड बाय माय एक्सटेंडेड रिलेटिव्स की हाउ कुड यू अलाउ दैट. माय फादर सेड दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस. ठीक बात है. ही इज माय सन, ही इज ओनली आंसरेबल टू मी, ही हैज ऑल द राइट्स टू चूज व्हाट ही वांट्स. ओके. तो ये सब देख के ना, मतलब मैं खुद की उस एक क्वेस्ट में निकल गया आगे कि यार क्या है यार ये, मतलब रिलीजन क्या है और क्या है. इट्स मैनमेड. आपका रिश्ता कैसा है? जैसे अभी आपने बोला कि नजर उतारना या फिर. मैं बिल्कुल मानता हूँ. हाँ, मैं बिल्कुल इज्जत करता हूँ चीज़ों की, मैं खुद करता हूँ. इज्जत करते हैं पर इज देयर बिलीफ सिस्टम देयर? इज्जत करना एक अच्छी बात है, करना भी चाहिए. यू नो यू आर गोइंग टू बी अ फादर वेरी सून, एंड सो वॉट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द वैल्यू सिस्टम ऑफ योर चाइल्ड? You can't obviously control it. You can't control it. Of course. अगर आप control करने निकलोगे तो. I would never do that. हाँ. I would never. Then you are crazy if you want to control it. I would never do that. लेकिन फिर भी क्या, what are the things that child is shown to be sensible and what are the things कि उसे बताई जाएंगी ये rational है? See, rationalism पे तो पहले focus किया जाएगा. ठीक है. लेकिन कुछ चीजें हैं जो बहुत ही authentically Indian हैं, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ. और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें हिंदू कल्चर की, अगर हम बात करें, मैं बहुत विश्वास करता हूँ चीज़ों पे. जैसे एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माय कल्चरल एफिलिएशन, इट डज नॉट नीड टू बी रिलीजियस. एब्सोल्युटली. ये मेरे देश के मेजॉरिटी लोगों का कल्चर है. दिवाली पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान में मनाई जाती है, तो मैं दिवाली मनाता हूँ. और वो मेरी मसल मेमोरी है, मेरी चाइल्डहुड मेमोरी है. इट नीड नॉट बी रिलीजियस. मेरा ये विश्वास नहीं है कि अगर मैं लक्ष्मी पूजा करूँगा तो लक्ष्मी आएगी घर पे. पर मैं लक्ष्मी पूजा इसीलिए करता हूँ क्योंकि मैं बचपन से वो देख के बड़ा हुआ हूँ और वो मेरी लाइफस्टाइल है. मेरे फादर खुद करते हैं, वो चर्च जाते हैं हफ्ते में दो दिन, लेकिन वो चुपचाप मेरी माँ और मेरी बीवी के साथ बैठ के पूजा करते हैं. तो इट्स अ ब्यूटिफुल हाउस, इट्स अ ब्यूटिफुल होम. हाउ रिलीजियस इज योर वाइफ? ठीक.
ठीक 5 out of 10 हाँ 5 out of 10 प्रॉपर बैलेंस है प्रॉपर बैलेंस है वंडरफुल हाउ रिलीजियस आर यू रिलीजियस और आर यू लेड बाय अदर पीपल ओनली आप खुद क्या आप खुद तो कुछ इनिशिएट करते हो मैं कुछ नहीं मानता मैं स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखता हूँ आई डेफिनेटली बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग अप देयर दैट्स लुकिंग आफ्टर ऑल ऑफ अस मेरी माँ ने मुझे एक बार बोला कि बेटा हाउ डू यू नो योर व्हाट यू आर आस्किंग फॉर इज बेटर देन हिज प्लान्स तुम मांग रहे हो ये चीज ऊपर वाला तुम्हारे लिए ये चीज प्लान कर रहा है तुम मांगो मत सिर्फ शुक्र मानो एंड एक्चुअली इट इज क्वाइट अ प्रैक्टिकल फिलॉसफी ऑफ लाइफ टू जस्ट बी ग्रेटफुल शो बी ग्रेटफुल व्हाट यू हैव शो एंड आई हैव एक्चुअली गॉट मोर देन व्हाट आई ऑलवेज आस्क्ड फॉर लेकिन कुछ लोग तो है ना समाज में विक्रांत जिनके पास ये लिबर्टी भी नहीं है कि वो ग्रेटफुल हो सके जैसे कि I don't know, so such a big part of my country still sleeps hungry, is still discriminated upon. You can't ask them to be grateful. Nee, basis discriminated upon basis of maybe class, maybe caste, maybe gender. That's true. That's why the makers of my country had to write in the constitution. Correct. कि discriminate मत करो. इसका मतलब इतनी हो रही थी. Correct. कि संविधान में लिखना पड़ गया. Correct. तो अभी भी तो हो रही है और ये दुनिया भर में हो रही है हाँ, ये दुनिया सिर्फ इस देश की बात नहीं ह्यूमन स्पीशी की बात है yes, yes. शायद नेचर की बात है ह्यूमन स्पीशी की बात हाँ ठीक है तो ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ ग्रेटफुल नहीं रह सकते तो वहां दैट्स अनफॉर्चुनेट दैट इज करेक्ट वो सच है इसीलिए मैं आई एम गोइंग बैक टू व्हाट वी स्टार्टेड ऑफ विद कि यू इफ आई मे अरे ऑफ कोर्स यू मे सर ऑलराइट द आईडिया इज कि यू एस्पायर टू हैव अ काइंड ऑफ वर्ल्ड अराउंड यू फॉर दीज रीजंस I will equate what you told me to my own experience. Okay. मैं एक ऐसे घर में गया जहाँ पे मुझे बड़ी इज्जत दी गई लेकिन एक पर्टिकुलर जात का या एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड का जब इंसान उनके घर आया तो उसके लिए उन्होंने अलग ग्लास निकाला उनको कभी उस सोफे पे बिठाया नहीं उन्होंने वो पानी भी पिएगा तो ऊपर से करके ऐसे पिएगा तो ये है इसीलिए मैं कहता हूँ कि आई एस्पायर टू लीव बिहाइंड अ काइंड ऑफ वर्ल्ड फॉर माय चिल्ड्रन क्या ये कहानी है जो आपको बताने में ज्यादा इंटरेस्ट है मुझे बहुत गुस्सा क्या ऐसी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं आपके पास बिल्कुल आ रही हैं एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर कोई एक्टर बोलेगी यार मुझे इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता मैं तो एक्टर हूँ जो मुझे रोल मिलेगा मैं वही करूंगा नहीं सर मेरा भी यह है कि अगर मुझे कोई रोल मिलेगा जिसमें मेरा विश्वास नहीं भी है तो भी मैं करूंगा नहीं नहीं सिर्फ रोल की बात नहीं है कहानी का अल्टीमेट पॉलिटिक्स क्या है एज एन एक्टर मतलब अगर कोई आउट एंड आउट एक विलन टाइप कैरेक्टर है जो अत्याचार करता है उसको जस्टिफाई करते हुए एक स्टोरी बन रही है तो उसकी पॉलिटिक्स वो है कि आपने ऐसे एक्शन को जस्टिफाई कर दिया पर ऐसे लोग हैं दुनिया में हाँ पर उस स्टोरी इट इज द फिल्म मेकर्स प्रेरोगेटिव टू ईदर जस्टिफाई इट और टू शो इट इन अ मैनर कि नहीं यार ये गलत आदमी है हाँ, अगर ये दिखा रहे हैं कि ये गलत आदमी है हाँ, तो फिर मैं वो कैरेक्टर बिल्कुल करूंगा हाँ कैरेक्टर की बात नहीं है स्टोरी की जो टोटैलिटी है क्या उसको आप देखते हो उसकी पॉलिटिक्स को परखते हो ऑफ कोर्स ओके द इंटेंट द राइट वर्ड इज इंटेंट या सो ये कहानी का इंटेंट क्या है कि जब मैंने लिपस्टिक अंडर माय बुरखा भी की आई प्लेड अ सो कॉल्ड बॉर्डर लाइन एंटेगनिस्ट इन अ फीमेल सेंट्रिक फिल्म श्योर व्हाई डिड आई डू दैट बिकॉज आई वॉज रिप्रेजेंटिंग One of those many people who actually exist in the society. ठीक बात है। जो last moment अपनी औरत को ghost करके भाग जाते हैं। There are stars, Vikrant, in your industry, who don't care about they openly say that they're apolitical. Now I don't know what apolitical means. I don't know what it means because you can't be apolitical. आपने जो इतनी बातें कही हैं, your fight also with the president of your society about the elevator, it's a political fight. Yeah. It's a fight for someone's right. You could see it that way. And so it is political. मतलब political parties में नहीं जा रहे हम. इसमें बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं है. पर it is a political fight for someone's right. Yeah. है ना? You're fighting for someone's right. Absolutely. You're fighting for your maid's right. Absolutely. And so there are stars in the industry who just shy away from this, who are not aware. See repercussions हैं. Sometimes even you know this thing कि in the age of social media. पर क्या है? मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ क्या repercussions. नहीं सर, आप जानते हैं कि repercussions क्या हैं. पर क्या है विक्रांत? See. क्या क्या आमिर खान का वो बोलना वो एक रेपरकशन है नहीं था इफेक्ट तो हुआ है सही बात है तो है तो क्या कर सकते हैं देन यू गो बैक टू द ओल्ड एडेज व्हिच इज इग्नोरेंस इज ब्लिस अपना घर बार देखो अपना परिवार देखो पर किसी को तो पुश करनी पड़ेगी ना बाउंड्री विक्रांत देयर हैव बीन पीपल हु हैव टेकन ए पर्टिकुलर साइड उसके रेपरकशन उन्होंने फेस किए हैं एंड बाय द एंड ऑफ इट ठीक कह रहे हो आप
सी यूटोपियन वर्ल्ड नहीं है ना, सबको अपना घर बार चलाना है, सबको अपने बिल्स भरने हैं। पर उसमें भी एक नसीरुद्दीन शाह है जो बेबाकी से बोलता है जो उसे बोलना है। वो नसीरुद्दीन शाह अब बोल सकता है, 70 की उम्र में बोल सकता है। क्या वो उससे पहले नहीं बोल रहा था जब वो आदमी जवान था और उसे करियर भी बनाना था? पर तब शायद वो दुनिया नहीं थी। अब क्या बदल गया इस दुनिया के बारे में? आई मीन वी आर फार मोर अग्रेसिव एंड ऑल्सो द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया हैज सॉर्ट ऑफ रियली दीज पर्सपेक्टिव्स वर ऑलवेज देयर बट बिकॉज दे आर सो इजीली एक्सेसिबल एट द क्लिक ऑफ अ बटन देर आर मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यूज एंड मल्टीपल परसेप्शंस एंड अ लॉट ऑफ पीपल शाई अवे फ्रॉम इट एंड इट्स विद इन देयर राइट्स टू गो आउट देयर एंड से यस आई एम apolitical इवन इफ दे आर नॉट बट वी आरंट बिकमिंग मोर प्रोग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ यू सेड वी आर फार मोर रिग्रेसिव रिग्रेसिव या When did I say? अभी आपने बोला ना? Maybe you didn't mean it. नहीं, we are not becoming far more regressive. Aggressive, I said. Aggressive. I thought you said. नहीं, we are becoming far more aggressive on social media. Is that a world you would want your child to grow up in? Definitely not. इसीलिए मैं खुद social media से दूर रहता हूँ. उसको कैसे रखोगे दूर? यार देखो, एक reasonable age पे आने के बाद वो जो भी चुनेगा या अपनी choices है. अपनी choice है उसकी. किन चीजों में, किन institutions में hope ढूंढते हो? I think I'm a very hopeful person. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर वो तो दिख रहा है, you are an optimist. I'm an optimist. I personally feel कि जैसे मैंने कहा कि 80-85% लोग जो हैं दुनिया के वो अच्छे हैं और वो genuinely अच्छे हैं. मेरी असहमति है इस नंबर से, पर आप बोलो. हो सकती है, ठीक है. And we can agree to disagree. That is the beauty of it. Correct, absolutely. And that is how it should be. बिल्कुल ठीक बात है. तो चाहे फिर वो सोशल मीडिया की बात हो, this is what a progressive और this is what a robust conversation should be like. बिल्कुल. सोशल मीडिया पे ये नहीं है, तो आई एम ग्लैड कि वी कैन अग्री टू डिसएग्री. और अगर आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करो यार चैनल को. बिल्कुल करो, बिल्कुल. सब्सक्राइब नहीं किया तो हम हाइड्रेशन का इतना ख्याल रख रहे हैं, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो. बिल्कुल करो जी. नहीं, बट आई फील द वर्ल्ड इज अ वेरी गुड प्लेस. ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि लोग भूखे मर रहे हैं हमारे देश में, एक्चुअली वैसा नहीं है सर. जो 10 साल पहले जितने लोग भूखे मर रहे थे ना, उससे कम मर रहे हैं. उससे कम मर रहे हैं, ठीक बात है. और आने वाले 10 साल में और भी कम होंगे, ठीक बात है. हमारी मोर्टैलिटी रेट बढ़ी है, हमारा डेथ रेट भी कम हुआ है. Correct. हमारी मोर्टैलिटी रेट भी कम हुई है. तो ऑन ऑल एचडीआई इंडाइसेस वी आर डूइंग बेटर एज अ स्पीशी वर्ल्ड. फॉर श्योर, या एज अ स्पीशी. तो वो सिनिसिज्म जो है ना, वो कहीं ना कहीं इट सॉर्ट ऑफ pushes us in a way. But there is still hunger and poverty in the country. There is, but there are so many people who are working towards the good of it. I completely agree. There are so many people who are. I completely agree. Yeah. Much like you. Maybe I am. I am doing whatever is within my capacity. You are telling stories that need to be told, which is important. Yeah, you know. आपके कितना है दे 12वीं में? मेरे? हाँ. ये नहीं पूछा ना किसी ने? नहीं, ये बहुतों ने पूछा है. अरे यार shit यार, मुझे लगा कोई पूछ ही नहीं रहा यार. मेरे 58% आए थे सर. अच्छा, आप फेल नहीं हुए थे? नहीं, फेल नहीं हुआ. ठीक है. स्कूल सिस्टम पसंद है आपको, जो अभी है जिससे आप गुजरे थे? अब तो चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया. स्कूल में ही डालना बच्चे को? बिल्कुल. या होम स्कूल या कुछ बच्चे को लेकर ट्रैवल कर लिया, सारे देश चले गए? इतने रेडिकल आइडियाज नहीं है. इतने रेडिकल नहीं है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ इट गोइंग बैक टू बेसिक ईवीएस चैप्टर फर्स्ट, मैन इज अ सोशल एनिमल. ठीक है, तो हम सबको एक दूसरे के साथ ही रहना. क्या आप पांचवी पास से तेज है? तकेशी का असल देखा है, नया वाला जो है? नया वाला नहीं देखा. भुवन मान ने अच्छा किया, मुझे तो बुरा नहीं लगा. इज अ वेरी टैलेंटेड गाय. इफ नॉट बॉम्बे, इफ नॉट बॉम्बे, वैसे तो बॉम्बे बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड. इफ नॉट बॉम्बे, आई नो व्हाट यू आर आस्किंग, दिल्ली है. यस यस. दिल्ली में कहां? वसंत कुंज. अरे बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, वसंत कुंज. व्हाई वसंत कुंज यार? क्योंकि माई आइडिया ऑफ lavish lifestyles or luxury begins at Vasant Kunj. Achha, kyun? Yes, aisa kyun? Meri bhabhi ka ghar wahan hai. Achha. To wo wahan se hai. Bhabhi ka maika? Bhabhi ka maika. Theek hai. Wo wahan hai. To pehli baar maine jo kothi dekhi thi. Bhabhi ki kothi hai? Bhabhi ki kothi hai. Very nice. To pehli baar maine bhabhi ki kothi dekhi thi, matlab maine kya bolte hain use? Veranda? Patio. Patio. आपने उनके साथ, मतलब गन तो आप उन्हीं से लेते हो जी, तो कैसा था? एंड आई एम डूड, दैट मेक्स मी रियली सैड दैट आई कुड नेवर मीट हिम. वो इरफान साहब, मतलब How was it? पता है, इरफान साहब से मैं अपनी खुद की बिल्डिंग के एलिवेटर में मिला था. Sure. तो मेरे घर के ऊपर एक थिएटर एक्टर रहते हैं जो उनके अच्छे दोस्त थे, तो वो उनके घर आए थे और मैं गाड़ी से कुछ सामान लेने जा रहा था और ऊपर से लिफ्ट नीचे आई
छः माले से चार माले पे आई और मैंने जब वो जाली वाली लिफ्ट नहीं होती, वो जाली हाँ, वाली हाँ. लिफ्ट का मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने इरफान साहब को देखा ना, मैं तो बता नहीं सकता व्हाट आई फेल्ट यार. इट वाज वी ऑलमोस्ट वर्क टुगेदर. व्हेन ऑलमोस्ट व्हाट फिल्म? तो विशाल सर एक फिल्म बना रहे थे सपना दीदी नाम की. अच्छा. जिसमें दीपिका और इरफान साहब थे एंड आई हैड अ पेरिफेरल पार्ट, तो आई वाज कास्ट फॉर इट. और इरफान साहब से मेरे और दीपिका के लुक टेस्ट चल रहे थे और इरफान साहब वाज ऑलरेडी ऑन, ही वाज प्लेइंग द प्रोटैगनिस्ट एंड वी वर सपोज टू मीट द नेक्स्ट डे. बट बाय द टाइम आई वोक अप एंड आई ओपन माय आईज, द न्यूज ऑफ हिज कैंसर वाज ऑलरेडी आउट एंड एवरीथिंग जस्ट स्टॉप्ड. मैन या फेवरेट परफॉर्मेंस रिमेंस मकबूल ऑलवेज. फेवरेट सीन ऑफ मकबूल? दैट सीन वेयर द फर्स्ट सीन, द वेरी फर्स्ट सीन, जब वो कुंडली बनाता है, जब वो आंखों से देखते हैं और वो कहते हैं कि अगर तेरी इस अगर चौपड़ खाने में अगर मुझे विश्वास होता तो मैं तेरी जबान काट डालता. वो जो आंखों से खेल, yes. वो तो आइकॉनिक सीन है. उस सीन को स्टडी करना चाहिए फिल्म स्टूडेंट. मैंने वो फिल्म 2003 में देखी थी सर. एक दिन देखी, समझ में नहीं आया कि क्या हुआ. आई वॉज लाइक ब्लोन अवे. थोड़ा होश संभाला और अगले दिन गया दोबारा देखी वो फिल्म एंड दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं यार ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करनी है. इस समय आप क्या कर रहे थे? मैं शामक दावर की ट्रूप में था. अच्छा. आई वॉज डांसिंग एट दैट टाइम. देन आई सेड, और तभी टीवी का ऑफर आ गया था मुझे. अच्छा. आई सेड कि यार आई थिंक आई विल टेक इट बिकॉज आई वॉन्ट टू आई एस्पायर टू बी लाइक दिस मैन. उस समय जो ऑफर आया था उसमें पैसे कितने मिले थे? 6,000 रुपये पर एपिसोड. और एक एपिसोड कितनी देर में शूट होता था? 7 दिन 8 दिन. 1,000 रुपये पर डे की अगर आप बात. नॉट बैड. क्या कनेक्शन होता है विक्रांत बिटवीन द पर्सन दैट यू आर एंड द एक्टर दैट यू आर? इज देयर अ कनेक्शन एट ऑल और कैन यू बी अ शिट पर्सन इन लाइफ एंड बी अ ग्रेट एक्टर? देयर आर मेनी लाइक दैट. या देयर आर मेनी. प्लीज टेल मी नेम्स. नो आई विल नेवर डू. बट यू डू नो देम? ऑफ कोर्स. अच्छा. शिटी पीपल? आई नो देम. शिटी पीपल? ऑफ कोर्स. ग्रेट एक्टर्स? दे आर अडोर्ड. दे आर लव्ड. दे आर सो कॉल्ड एस्पिरेशनल. क्या इसमें से डेथ इन द गंज में कोई था? नहीं. अच्छा ठीक है. नहीं. काफी महान एक्टर थे जैसे गंज में. नहीं यार, कमाल की एंसेंबल थी जी. इट वाज आउटस्टैंडिंग. बट ऐसे बहुत से लोग हैं. बट ठीक है, दे आर सक्सेसफुल. यू हैव टू गिव इट टू देम फॉर बीइंग सक्सेसफुल. तो कोई ऐसे कोई, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन हाउ गुड यू आर एज अ ह्यूमन एंड हाउ गुड यू आर एज एन एक्टर. अब मेरी परसूट वो है, वो मेरी परसूट है. आपकी एस्पिरेशन है कि दोनों में अच्छा होना यार. एक्टर नहीं भी रहा ना तो भी चलेगा, पर ज्यादा जरूरी है. आपने गाड़ी में पता क्या बोला जिसमें मेरे को एक काउंटर सवाल है? आपने गाड़ी में बोला कि काम मेरे लिए सबसे जरूरी है. नहीं, काम मेरे लिए सबसे जरूरी है. हाँ. क्यों? बिकॉज बाय द एंड ऑफ इट, अब ये जो आउटलेट है मेरा, आउटलेट मेरा काम है. ओनली विद रिगार्ड्स टू दैट टाइम. पर काम सबसे जरूरी है? सबसे जरूरी. या विक्रांत मासे सबसे जरूरी है? मेरे लिए काम बहुत जरूरी है. हाँ. पर सबसे जरूरी नहीं है. सबसे जरूरी क्या? सबसे जरूरी मेरा घर, मेरा परिवार और मैं क्या पीछे छोड़ के जाता हूँ, वो ज्यादा मैटर करता है. पीछे छोड़ने में इंटरेस्ट ही क्यों? मेरे को ये सवाल आपको तब से पूछना है जब से मैंने आपके इंटरव्यूज में देखा कि आपने बोला कि आर्काइवल वैल्यू. आर्काइवल वैल्यू, आई अंडरस्टैंड इट, आई एग्री विद इट. बट माय क्वेश्चन इज, यू विल बी डेड, व्हाई डू यू केयर? बिकॉज यू नो यू विल बी डेड. यू वॉन्ट टू लीव बिहाइंड समथिंग दैट टेक्स द टॉर्च फॉरवर्ड. बट आप, बट टॉर्च में आप इंटरेस्टेड ही क्यों हो, ये मेरा सवाल है. सर आई बिलीव लाइक मोस्ट ऑफ अस डू. आपको लाइफ मिली है, मजे करो, आगे बढ़ो. सर ये कैसी बात कर रहे हो आप? आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है ये. नहीं, बट आई हैव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन. सी द थिंग इज, द आइडिया टू लीव बिहाइंड समथिंग इज बिकॉज आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव व्हाट आई एम डूइंग इज राइट इन माई ओन हेड. अंडर प्रिविलेज है, उनकी सेवा करना या अपने काम के जरिए या अपनी कलम के जरिए या अपनी बातों के जरिए किसी को कुछ इंस्पायर कर जाना. क्योंकि अभी भी, एज आई सेड, आप बोलो फिर मेरा एक सवाल है. नहीं नहीं, अभी पूछो तुरंत. मेरा सवाल ये है कि अगर अपने आप को सीरियसली लेना ही नहीं है तो अंडर प्रिविलेज के लिए काम करना भी क्यों सीरियसली लेना? अपने आप को नहीं लेना है सीरियसली. जी, टॉम हैंक्स ने एक बहुत ही खूबसूरत चीज कही थी. ठीक है. व्हाट इज दैट वन थिंग दैट एन एक्टर नीड्स? लैक ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस. ठीक है. दैट इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से अपने आप को सीरियसली नहीं लेना. ठीक है. व्हाट मैटर्स इज, even he said it, what I leave behind. ठीक है. Because everything is transient in nature. अभी मैं थोड़े दिन पहले किसी से बात कर रहा था ये कि you know somebody met me and she was like, he's such a kind person, he's such a humble about person. About
नहीं नॉट अबाउट मी अबाउट समवन एल्स ही इज सच अ काइंड पर्सन ही इज सच अ नाइस पर्सन यू नो ही इज सो सिंपल आई एम लाइक आरंट वी ऑल सपोज्ड टू बी दैट वे व्हाई इज दैट अ रेरिटी तो आपको क्या कोफ्त हुई कि उस आदमी की तारीफ हो रही है? नहीं मुझे कोफ्त इस बात की हुई कि हमारे स्टैंडर्ड्स कितने लो उसको हैं। इतना रेयर बना दिया है इतना रेयर बना दिया है कि एक मर्द जो कंसेंट में बिलीव करता है वो अच्छा वो बहुत महान मर्द है Isn't that how it is supposed to be? It should be ideally. That is how it is supposed to be. Yeah. So let's try making that a norm. Cheers to that. Cheers to that, man. ये दाढ़ी मूछ ना पानी लग जाता है ना तो परेशान कर जाती है मुझे तो बहुत पसंद है दाढ़ी मूछ बाल आपके बहुत से बने हुए हैं उसका क्रेडिट विनीत को जाता है बहुत प्रोडक्ट लगता है यार बहुत अच्छे से आपको ग्रूम किया गया है आपका जो भी आपके हेयर बट इट्स स्टिल अ 6 तो कैसे बनेंगे 9 क्या चिन वैसी करानी है जैसे कराई है उन्होंने उन्होंने तो कराई है बहुतों ने कराई है सर पर कॉस्मेटिक सर्जरी से दिक्कत क्या है कोई दिक्कत यू सीम टू वेरी ओपन मैन कोई दिक्कत नहीं तो आप नहीं कराओगे कभी अगर जरूरत पड़ी तो फिजिकली क्या इनसिक्योरिटी है आई कैन बी इन बेटर शेप अच्छा पेट या कुछ नहीं पेट नहीं आई कैन ओवरऑल आई कैन बी इन बेटर शेप And it goes back. I'm harping probably right now. Goes back. But कुछ specific में जाओ ना ये तो बड़ा diplomatic safe answer दे दिया. नहीं. Better shape क्या होता है? कुछ specific बताओ. Like जैसे I have a back problem. I need to look after my back better. डोले बड़े करने हैं, पेट कम करना, क्या करना? नहीं. Overall. 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 You can be leaner or you need to be fatter. What? I can be muscular. अच्छा. Body बनानी है. Body बनानी है. तो पर वो वक्त नहीं मिल पा रहा. सबसे बड़ी hypocrisy क्या है? आपकी industry की. Honestly बता दो प्लीज नाम नहीं पूछ रहा पर अब तक ऑनेस्ट नहीं हूं मासी जी थैंक यू सर जी सबसे बड़ी हिपोक्रेसी यार आई एम स्टिल अ सर्टेन डिस्टेंस अवे इफ यू एक्चुअली सी आई एम फ्रॉम द इंडस्ट्री पर यार इतनी फिल्में करते हो कुछ अपने सेट्स पे भी दिखता होगा ना कुछ अपने डायरेक्टर्स का भी दिखता होगा कुछ अपने अंदर दिखता होगा कुछ तो हिपोक्रेसी होगी सब सही चल रहा है नहीं नहीं सब सही नहीं चल रहा है अब I'm trying to find सबसे बड़ी बहुत है hypocrisy. चलो एक दो बता दो जो जैसे मैं अपने खुद के चैनल और खुद की ऑर्गेनाइजेशन की भी बता सकता हूँ जैसे कि अब यार यहाँ बैठे हैं लोग इसलिए नहीं बताऊंगा पर मैं बताऊँ जैसे कि आई डोंट थिंक माई ऑर्गेनाइजेशन इज विलिंग टू एक्सपेरिमेंट एज मच एज आई एम रेडी टू डू इट आई थिंक दे आर सेट इन द वे आई डू द इंटरव्यूज एंड दे आर वेरी रेडी दे आर वेरी कंफर्टेबल आई नीड टू बी चैलेंज्ड And people are not ready to challenge me. Okay. अब आप बताएं। I mean, you can just sort of sum it up overall कि एक 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 sense of pretense है। Okay. एक sense of pretense है। Technicians में? Creative artists में। Okay. क्योंकि जैसे मैं गाड़ी में भी कह रहा था कि ना कि एक चीज हमारे यहाँ चलती है तो उसको आप अलग रैपर में बांध के बेचते हैं। Correct. That might not be your calling, but you pretend to do that because it works. और अगर अपनी सच्ची पर्सनालिटी दिखा देंगे तो शायद और ही प्यार होगा यार मेबी एंड मेबी आई थिंक यू आंसर्ड इट फॉर माय सेल्फ एक टेम्पलेट में क्यों फिट हो रहे हैं सब डर है ना मुझे तो यूट्यूब में भी दिखता है डर है नहीं यार और वो डर वाजिब भी है नाउ वी विल गो बैक टू द सेम क्या हमारी जनता बेवकूफ है जो टेम्पलेट ही फॉलो करेगी फिर नहीं ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 80 से 85 लोग अच्छे हैं इट इज अबाउट टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ इट इज अबाउट टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ वो लीप ऑफ फेथ लेने की बात है पर एज अ सोसाइटी व्हेन विल वी टेक दैट लीप ऑफ फेथ मेरे को और आपको ही तो लेना है वो लीप ऑफ फेथ विद रिगार्ड्स टू जस्ट शोइंग योर रियल सेल्फ एंड नॉट प्रोजेक्टिंग अ फेक आइडेंटिटी यार हमारे समाज में ये बहुत कॉमन चीज है कि लोग क्या कहेंगे ठीक बात है पर 80 से 85% लोग अच्छे भी तो हैं अच्छे जो समझेंगे आपको उनकी अच्छाई शायद कुछ वक्त बाद दिखेगी वो बहस होगी वो जद्दोजहद होगी वो खींच होगी वो लोग वो नहीं झेलना चाहते तो अगर लोग ओवर कॉशियस हैं या अगर लोग डरते हैं कि सोशल मीडिया चलो पर विक्रांत वो बांध कभी टूटेगा या नहीं वी आरंट एज फ्री एज वी कैन बी डू यू एग्री विद दैट वी आर फ्रीयर देन द अदर्स बट वी आर वी एज फ्री एज वी कैन बी व्हाट इज योर अपर लिमिट इट डिपेंड्स ऑन दैट द आई डोंट व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम इन्फिनिटी इज माय अपर लिमिट व्हाट इज इन्फिनिटी डिफाइन इन्फिनिटी लेट्स गेट टेक्निकल एंड टॉक अबाउट आ जाओ व्हाट इज इन्फिनिटी मैं अपने अब अगर आप मुझे बता मैं अपने फैमिली सिस्टम की हिपोक्रेसी के बारे में ओपनली बात कर सकूं बोलो बोलना मैं तो बोलता हूं मैं तो अपनी वीडियोस में बोलता हूं
मैं तो आपसे भी इतना सवाल पूछ लिए जिसमें अब जैसे एक छोटी सी चीज मैं बताता हूँ आपको, मेरा कोफ्त है ये। हाँ। मेरा कोफ्त है लोगों की सरकार से बड़ी दिक्कत होती है, कोई भी सरकार हो, ठीक है, हाँ, है? जिसकी कोई भी सरकार जिसकी भी एजिटेशन में आप पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करते हैं, आप बसें जला देते हैं, पर आप प्रोटेस्ट को एक टैबू भी कर देते हैं यार। यार सुनो तो मैं बोल क्या रहा हूँ, वो तो जी बोलिए बोलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप पब्लिक बसें जला देते हैं जी, आप सिविलियंस की गाड़ियां जला देते हैं। The absence of centrists has killed us. आज unfortunately, you know, I think social media has a lot of echo chambers बन गए हैं। या leftist है, right? या तो leftist है या तो right? I completely agree with you there. Yeah. Absence of centrists खत्म हो गए। पार्टियों छोड़ दो, स्टेट का नेचर ऐसा होता है कि आप थोड़ा भी सवाल उठा दो ना तो आप पे आपको जेल में रखेंगे सालों साल और आपका ट्रायल नहीं होगा, जैसे उमर के साथ हुए, जैसे भीमा कोरेगांव केस में, पता नहीं आप कितना उसके बारे में जानते हैं। मैं बॉम्बे में ट्रैफिक में अटका हुआ था भीमा कोरेगांव केस में, तो भीमा कोरेगांव वालों के साथ तो ट्रायल ही नहीं हो रहा है। स्टैन स्वामी मर गया बेचारा, उसको एक स्ट्रॉ नहीं दी, बंदे को पार्किंसंस था, एक स्ट्रॉ चाहिए थी यार। लीनियंसी की आपको ये दिखाई देगी, लीनियंसी नहीं दिखाई। मैं कह रहा हूँ लीनियंसी का ट्रायल तो कराओ, तीन साल आप जेल में क्यों रख रहे हो विदाउट ट्रायल? और मुझे लगता है आप जैसा आर्टिस्ट की बात समझेगा, मुझे लगता है आप समझते हो। मैं समझता हूँ, पर ये बहुत लंबी चर्चा है, ये इसके लिए कहीं सवाल चाहिए और कहीं जवाब चाहिए। चीज़ विक्रम, चीज़ विक्रम मसीह, चीज़ विक्रम मसीह। यार विकी कौशल का भी ग्राफ अच्छा है वैसे, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा ग्राफ है उसका, बहुत अच्छा दोस्त है और अच्छी फिल्में कर रहा है, अच्छी फिल्में कर रहा है, बहुत अच्छा बंदा है। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट, बिकॉज आपने विकी का नाम लिया, आई वॉन्ट टू टेल यू, जी उस आदमी ने और उसके पूरे परिवार ने, उसका छोटा भाई एक सनी, सनी हाँ बहुत अच्छा करता है, वो भी अच्छा करता है, हाँ मतलब ही इज वेरी यंग बट श्याम सर फैमिली विकी श्याम सर तो लेजेंड है भाई, वो कितना स्ट्रगल करके आगे बढ़ चुके हैं ना, दे डिजर्व एवरी बिट ऑफ व्हाट दे हैव, करेक्ट। एंड विकी इज एन इनक्रेडिबल गाय, आई लव विकी एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव। व्हाई हैव यू नेवर बीन इनवाइटेड टू कॉफी विद करण? बिकॉज़ आई डोंट सर्व देयर पर्पस। व्हाट इज देयर पर्पस? Popularity. कौन कौन है सेन शर्मा? One sentence about her. I love her. She is my biggest strength and she is the one who gave me Elisa life. Motivane. One sentence about him. Motivane. He is the brightest bulb in the world. Thank you for having such a genuine conversation. Thank you for opening your heart to me. Thank you for being unfiltered. Woodland. Woodland. Thank you, buddy. That I do it so good. Look at the way that I do what I should. Look at the way that I got you amazed. You should see the look on your face. Look at the way that I bang with the bass. Look at the way that I'm running the place. Look at the way that I'm keeping the pace. You see the smoke, well look at the flames. I see the look in your eyes. It be the look of surprise. That's just a part of the game. You gotta look for the prize. Look at the way that we ain't gonna fall. Look at the way that we all gonna rise. Look at the way that I answer the call. Look at the way that I handle the lights. Look at the way that I'm riding. Look at the way that I'm rolling. Look at the way that I'm live. Look at the way that I'm loading. Double up, let me in. Look at the way that it's open. Level up, level in. Look at the way that I'm blowing. अच्छा guess कर कितना पैसा देता हूँ एक वीडियो के लिए? 1700 रुपए। 1700 रुपए?